अपना चैप्टर नंबर वन इस लेक्चर से हम अपना एक्चुअली जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ओसीएम्स पेपर पैटर्न कि क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा चैप्टर वाइज, वो जरूर देख के हमारा सिलेबस जो है नेक्स्ट मतलब ये वाला जो चैप्टर है और इससे आगे का जो चैप्टर ऑन सिलेबस है वो देखना चालू कर देना, मतलब पिछला वाला लेक्चर छोड़ना मत. सो जैसे आपको दिख रहा है मेरे पीछे ओसीएम का पीडीएफ है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, ई भारती जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया हुआ एक साइट आपको डाउनलोड करने के लिए. अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है सारंग गुजराती कॉमर्स अकेडमी, उधर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में सारे टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएंगे, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, सो ये आपके लिए एक ऑप्शन है जो कि आप प्रेफर कर सकते हो. नाउ वी आर मूविंग टू आर इंडेक्स, जो कि आपको इंडेक्स मैंने पेपर पैटर्न में भी बता दिया था कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना है. तो आपके टोटल 8 चैप्टर है जिसका वेटेज रिस्पेक्टिवली वो वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 8 है, बहुत मार्क्स कंटेन करता है, बहुत ज्यादा वेटेज है. सो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है. तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 विल स्टार्ट एंड थोड़ा सा जनरल बातें कर लूंगी आपके साथ इंट्रोडक्शन बताने के लिए कि बेसिकली हम प्रिंसिपल जिसका पढ़ रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट पार्ट एक्चुअली है क्या. तो मैनेजमेंट पार्ट पहले मैं एक कॉमन सिनेरियो में बोलूं तो आपके मॉम डैड डेली लाइफ में, आप अपने डेली लाइफ में या मैं अपने डेली लाइफ में, हर कोई दुनिया का कोई भी जो इंसान रैशनल तरीके से चलना चाहता है, अचीव करना चाहता है किसी चीज को, वो हर एक इंसान मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है वो यूज कर रहा है. ठीक है, ये तो हम जो चैप्टर है वो तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं, बट डेली लाइफ में हर एक इंसान एक मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो उसको यूज करना ही पड़ेगा. अब मैनेजमेंट होता क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, तो मैनेजमेंट ये होता है कि प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी से हमारे काम को कैसे अचीव किया जाए. जैसे आपके मॉम जो है, जैसे ही सैलरी आती है आपके डैड के पास से, तो हर एक चीज उनको प्लान आउट करनी पड़ती है, जॉट डाउन करनी पड़ती है कि कैसे ये महीना उस सैलरी से चलने वाला है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि विदाउट प्लानिंग अगर हम चलेंगे तो हो सकता है जिसपे हम खर्चा नहीं भी करने का सोच रहे हो उस पे खर्चा हो जाए. इसीलिए ये मंथ में हमको ट्यूशन्स पे, ये मंथ में हमको खाने पीने पे कितना खर्च करना है, वो सबसे पहले कोई भी जो लेडीज होती है घर की वो अपने दिमाग में एक आप बोल सकते हो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये इस चीजों से होनी चाहिए. ऐसा पक्का होता नहीं है कि वैसा ही सारी चीजें चले, क्योंकि कभी कभार आपके ट्यूशन्स फीस अचानक से ही आ जाते हैं, कुछ चीजें अचानक, उसको तो हम एक्सेप्शनल चीजों को तो हम रोक नहीं सकते, बट हर कोई हर एक इंसान मैनेजमेंट करता है ताकि वो एक इजी लाइफ जी पाए, ताकि उसके जो काम है वो अच्छी तरह से हो पाए. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जहां पे, इधर तो हम अकेले की बात कर रहे थे तो मैनेजमेंट की हमें जरूरत पड़ रही थी, लेकिन आप इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जहां पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये तीनों मैनेजमेंट के साथ 100,000 lakhs ऑफ पीपल के साथ, मैन पावर के साथ, उनको सारी चीजें, सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल है वो अचीव करना है, ना कि सिर्फ मैन है इधर मटेरियल. अब आप बोलोगे बहुत सारे रिसोर्सेज है, नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेज भी आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मशीनरीज हो गई, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया. तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग जो चीजें हैं उनको मिला के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और वो जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का उद्देश्य रहता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए. अब ये नए वर्ड आपने मेरे मुंह से सुने, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जब भी हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो ये दो वर्ड हमेशा याद रखना कि जब हमको कोई ऑब्जेक्टिव, बार बार मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट हम तभी यूज करते हैं जब हमको कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव, यस कोई भी बिजनेस जब सेटअप हुआ है तो ऑफ कोर्स उसका कुछ गोल है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कोई उद्देश्य है, उसके लिए ही वो सेटअप हुआ है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको ये मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट का ही पार्ट हमें बताता है कि आपको कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. अब ये वर्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है क्या, देखो जब भी हम कोई काम को पूरा करने के लिए जाते हैं तो वो एक बुरी तरह से भी हो सकता है. हाँ, हमारे हिसाब से ये सही था,
वैसे भी हो सकता है, बट उसको दूसरे लोग बोले कि नहीं 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 आप लोग आपने जो काम किया है वो गलत तरीके से किया है, क्योंकि इधर वेस्टेज ज्यादा हुआ है, क्योंकि इधर टाइम ज्यादा लगा है, क्योंकि इधर जो चीज नहीं भी लगनी चाहिए थी या जो चीज नहीं भी करनी चाहिए थी आप लोगों ने किया। सही बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपके पास टाइम लिमिट रहता है, आपके पास फंड लिमिट होता है, इसीलिए मैनेजमेंट बोलता है कि हम ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करेंगे इधर, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव हमेशा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव होना चाहिए। इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम अचीव होना चाहिए, और एफिशिएंटली मतलब विदाउट वेस्टेज अचीव होना चाहिए, विदाउट वेस्टेज। वेस्टेज किस चीज का? टाइम का, मैन पावर का, मटेरियल का, ये सारे चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वैल्यूएबल है। तो हम ये सारे चीजें विदाउट वेस्टेज करके अगर हम अचीव करते हैं, मतलब कि हमने मैनेजमेंट का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, और अगर हम ये ऑन टाइम अचीव करते हैं तो मैनेजमेंट का हमने दूसरा पार्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे सबसे पहले आप क्या बनाते हो? प्लानिंग बनाते हो। प्लानिंग क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको टाइम पे पढ़ाई कंप्लीट करना है, और विदाउट टाइम वेस्टेज ये सारी चीजें करके आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो ये मैनेजमेंट की सारी चीजें हो गई, समझ रहे हो। अब आपको एक दूसरा वर्ड दिया हुआ, इधर हमको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। अगर आप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख पा रहे हो तो हमको कुछ लोगों के नाम दिए हुए, हेनरी फॉयल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। हेनरी फॉयल ने हमको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी हुई है, और एफ डब्ल्यू टेलर ने हमको कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी हुई है। देखो, मैनेजमेंट को हर एक इंसान हर एक अलग अलग वे से समझ सकता है, बिकॉज हर एक लोगों का माइंडसेट अलग रहता है, हर एक लोगों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट तो ये चीज समझता है कि हम ये नहीं बोलते कि ये चीज परफेक्ट है और ये चीज गलत है। हमको पता है कि ह्यूमन में बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लोग रहते हैं, तो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो डिफर हो सकता है। बट कुछ महान हस्ती है हमारे हिस्ट्री में, जिनका नाम अभी अभी जो लिया, उन महान हस्ती ने कुछ थेरीज दिए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर सकते करते हो तो आपका जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्सीलेंट हो सकता है। क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं वो खुद भी, उन्होंने कुछ एक ऐसी कंपनी या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था कि जहां पे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, कुछ अच्छे ढंग से नहीं हो रहा था, बट जब उन्होंने ये प्रिंसिपल यूज किए, जब उन्होंने ये थेरीज यूज किए, तो उनके थेरी के वजह से उन्होंने बहुत सरप्लस प्रॉफिट अर्न किए, एंड जब वो एक रिटायरमेंट के उस पे आए तो वो एक सीईओ लेवल के पोजीशन पे रिटायर्ड हुए। मतलब ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि ज्वाइन आप सिर्फ एक क्लर्क, एक मामूली इंसान करके हुए थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, बट आपने इतना कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया कि आप रिटायर्ड हुए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो ये हर एक किसी की बात नहीं होती। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ऐसा योगदान दिया उस ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि ना कि उस कंपनी का बट पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट को लेके अंडरस्टैंडिंग आई, बिजनेस को कैसे चलाया जा सकता है वो अंडरस्टैंडिंग आई, एंड उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट ऐसे टाइटल से उनको एक बुक लिखी गई एंड उनको वो टाइटल दिया गया। तो वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताया। तो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखो यही चीज दिया हुआ है कि हम मैनेजमेंट हर जगह पढ़ते हैं, चाहे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, मैनेजमेंट तो रिक्वायर है, एज आई टोल्ड यू। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो की टू सक्सेस है ना, जो चाबी है कामयाबी का, वो मैनेजमेंट है, क्योंकि हमको गोल अचीव करना पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट है इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी। जैसे हमको ये सारी चीजें लगती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही हमको मैनेजमेंट पार्ट रिक्वायर्ड है। सो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक सोर्सेज में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो हमको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की रिक्वायर है। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस बहुत ही फास्ट ग्रो होता है, इसके लिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बिना यूज किए या मैनेजमेंट की थेरीज को बिना यूज किए फॉलो होते हो तो आप अचीव तो कर जाओगे लेकिन अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे।
इसीलिए मैनेजमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर वेरियस प्रिंसिपल थ्योरीज टेक्निक एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट विच गिव रिजल्ट इन सेम डायरेक्शन. तो ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लेना. इंट्रोडक्टरी पार्ट है. मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट हार्मोनाइज ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, विच आर टर्म्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो जैसे आपने अभी पांच चीजों के बारे में पढ़ा, ये पांच चीजों के बारे में हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट के अंदर आते हैं. कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमको कौन सी चीजों के ऊपर वन बाय वन ध्यान रखना चाहिए, वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ लेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस के ऊपर. While achieving goal of an individual or organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principle. देखो अभी principle क्या होता है वो हमको समझना है. Principle आपने बहुत बार सुना होगा, ये school वाला principle नहीं है, school वाला principle नहीं है. Principle means हमारे कुछ सिद्धांत, ठीक है, हमारे कुछ आप बोल सकते हो काम करने के तरीके, मतलब होते हैं ना, जैसे कि किसी के सिद्धांत होते हैं, कि सिद्धांत होते हैं कि हम सुबह उठ के पूजा करेंगे, पैर बड़ों की इज्जत करेंगे, वो कुछ उनके लाइफ के उसूल्स होते हैं आप बोल सकते हो, ठीक है. तो उन उसूलों को हम प्रिंसिपल बोलते हैं. तो मैनेजमेंट के भी कुछ उसूल्स होते हैं, है ना. कुछ लोग मैनेजमेंट को प्रिंसिपल को फॉलो कर, देखो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कुछ लोग ऐसा नहीं है कंपल्सरी सुबह उठ के पूजा कर रहा है, तो ये जनरल है. प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि नहीं आपको मस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये करते हो तो यस आप वो चीज को अचीव करोगे ही करोगे, ऐसा है. तो प्रिंसिपल मींस सम, उन्होंने बोला हुआ है सम टेक्निक एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल. नाउ देखो उन्होंने प्रिंसिपल का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है. फंडामेंटल ट्रूथ और preposition that serve as a foundation for system of belief, behavior or chain of reasoning. Principle मतलब कुछ ऐसे fundamental truth है, कुछ ऐसे सच्चाई है, basic सच्चाई है जिसे आप ignore नहीं कर सकते. कुछ ऐसे उसूल है जो हर एक के life में foundation की तरह रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे ही तो हमारे साथ अच्छा होगा. मतलब कि आपने मम्मी पापा को कहते हुए सुना होगा कि अगर आप दूसरों के साथ बुरा नहीं करते हो तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा. तो वो क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक बिलीफ है जो उन्होंने अपनी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं. तो उसी उन्हीं चीज को हम प्रिंसिपल बोलते हैं. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फंडामेंटल ट्रूथ है, कुछ प्रेपोजिशन है जो कि हमारे बिलीफ एंड बिहेवियर को मोल्ड करता है और एक रीजनिंग देता है कि मेरे साथ बुरा नहीं होने वाला अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया. एक रीजन देता है किसी चीज को करने के लिए. वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर आप ये चीज करते हो तो ये चीज होगा, ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको कुछ महान हस्ती ने दिया हुआ है. सो इन सिंपल वर्ड, टेक्निक और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल. दीज प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर. तो इसके हम कुछ नेचर पढ़ेंगे, जहां जैसे कि आपने अभी यूनिवर्सल पढ़ा तो इधर हम वही चीज पढ़ने वाले हैं. तो दो मिनट मुझे देना. ड्यू टू दिस बेसिक ऑफ प्रिंसिपल मैनेजर नीड टू वर्क ऑन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस. ओके, फॉर एग्जांपल इन अ क्रिकेट और इन एनी अदर गेम टोटल प्ले इज डिजाइन एंड डिवाइडेड बिटवीन प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड केपेबिलिटीज. इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क विच वन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जब भी क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है या 10 दिन या जो भी जितने दिन भी रहते हैं प्रिपरेशन के लिए, उस टाइम पे बॉलर कौन होने वाला है, बैट्समैन कौन होने वाले हैं, कौन फील्डिंग करने वाला है, कौन विकेट लेने वाला है, जो भी चीजें हैं क्रिकेट में, वो सारी चीजों के लिए हर एक पर्सन डिसाइड होता है, उसका रोल डिसाइड होता है. अब क्यों रोल डिसाइड होता है, क्योंकि हर एक इंसान के पास स्किल अलग अलग होते हैं, हर एक क्या टैलेंट अलग अलग होता है. तो इसी चीज को हम मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम बोलते हैं उसको डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब हर एक इंसान को उसका उसका काम बांट देना, ताकि बाद में अगर कुछ उसमें गलती हो गई तो हम बोल पाए या तेरे को दिया था मैंने बैटिंग करने के लिए, तू तो फर्स्ट रन पे ही आउट हो गया. तो हम उस चीज को जिम्मेदारी दे और बाद में उसको कैच होल्ड कर पाए कि नहीं ये आपने सही नहीं किया, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ऑल
जैसे उस क्रिकेट की टीम ने डिसाइड किया कि कौन इंसान कितना काम करने वाला है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड होता है कि कौन इंसान क्या काम और कब करने वाला है, तो ताकि अगेन कैच होल्ड कर पाए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एंड ऑल. तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि एक्चुअली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नेचर मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसे होता है, अलग अलग टाइप का, कोई शांत व्यवहार का होता है, कोई बहुत बोलने वाला होता है, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, वो चीज हम पढ़ने वाले. तो सबसे पहले उन्होंने इधर मतलब नेचर को समझाने के लिए बोला हुआ है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली बने किस लिए है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो इंप्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बिहेवियर उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए. हर एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो मैनेजमेंट को फॉलो करने से आप कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, इसके लिए ये प्रिंसिपल बने हुए हैं, ताकि ये प्रिंसिपल फॉलो करके आप लोगों को बेस्ट कोऑर्डिनेट कर पाओ, बेस्ट तरीके से सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट मतलब जो बॉस होता है और जो उसके नीचे सबॉर्डिनेट काम करने वाले होते हैं, है ना, इंप्लॉइज, उनके जूनियर्स, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी, तो अच्छे से काम होगा. मतलब बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल रिलेशनशिप है, ओवरऑल जो प्रॉफिट है इन कंक्लूजन में, वो आप निकाल सकते हो. क्योंकि अल्टीमेटली कौन काम करने वाला है, इंप्लॉइज काम करने वाले. अगर इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप रहा तो आप अच्छे से ही काम करवा पाओगे. सो समझते हैं आगे. द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो. नाउ सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन. जो मैनेजमेंट चीज है, जो मैनेजमेंट कंसेप्ट है, या जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो हर जगह एप्लीकेबल है. एज आई टोल्ड यू फर्स्ट की चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक जगह आपको मैनेजमेंट तो लगने वाला है, ठीक है. तो वैसे ही बात बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा. अब वो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, पब्लिक इंस्टीट्यूट हो, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अब वो बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल पे चलाई जाए, मीडियम लेवल पे चलाई जाए, वो लार्ज स्केल पे चलाई जाए, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेंगे. तो उन्होंने बोला हुआ है कि देखो, यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल एट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर. साइज मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और नेचर मतलब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप कंपनी हो, ट्रेडिंग टाइप कंपनी हो, या सर्विस देने वाली टाइप कंपनी हो, आप अपने जो प्रिंसिपल को है हर जगह अप्लाई कर सकते हो. देखो, द रिजल्ट में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड, बट द इट आर सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने एक हाईलाइट दे दिया कि आपका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकता है, आपको मैनेजमेंट अप्लाई करने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकता है, लेकिन ये लगने वाला तो हर जगह है. तो इसका जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तीन लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मीडियम एंड लोअर लेवल. तो हर एक लेवल पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह ये अप्लाई होता है. नाउ सेकेंड इज जनरल गाइडलाइन. सो जनरल गाइडलाइन मतलब कि ये आपको एक ऐसे गाइडलाइन देते हैं जो आप अपने तरीकों से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से यूज कर सकते हो. कहने का मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ इसी सिचुएशन या इसी प्रॉब्लम के लिए या इसी चीज के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो, नहीं. एवरी सिचुएशन विच इज हैपनिंग इन अ बिजनेस, एवरी प्रॉब्लम विच यू आर टैकलिंग इन अ बिजनेस, यू कैन अप्लाई देयर, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक थिंग नहीं है जो उधर ही अप्लाई हो सकता है. इट इज जनरल गाइडलाइन और आप जनरली इसको एप्लीकेबल कर सकते हो. कोई भी मैनेजर रहने दो, कोई भी बिजनेस रहने दो, आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम मतलब टैकल करना चाहते हो, आप अप्लाई कर सकते हो. मतलब ये हर एक प्रॉब्लम एंड सिचुएशन को टैकल करने में, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी साइज ऑफ बिजनेस हो, चाहे कोई भी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट गिव अस अ जनरल गाइडलाइन. ये रिजिड नहीं है. रिजिड मतलब कि ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है जो आप उसी जगह पे अप्लाई कर सकते.
सकते हो आप. देखो उन्होंने लिखा हुआ फर्स्ट सेंटेंस में कि इट इज अ जनरल गाइडलाइन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. दे आर नॉट फिक्स, दे आर नॉट रिजिड, मतलब वो फिक्स नहीं है, वो स्टैटिक है, वो चेंज होते रहते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन और आप अप्लाई कर सकते हो हर जगह. ठीक है, देखो उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम फेयर रेमुनरेशन की बात करते हैं, मतलब वन ऑफ द प्रिंसिपल है वो फेयर रेमुनरेशन की बात करते हैं, तो उसमें फेयर जो वर्ड है वो एक जनरल वर्ड है. ठीक है, एक फिक्स चीज नहीं है जो फेयर मतलब 50,000 सैलरी आप देते हो, रेमुनरेशन मतलब सैलरी. ठीक है, 50,000 सैलरी आप जब तक नहीं दोगे तब तक आप फेयर नहीं हो, ऐसा नहीं है. वो सिचुएशन के हिसाब से, सामने वाले ह्यूमन के स्किल के हिसाब से जो फेयर वर्ड है वो डिफाइन होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के साइज नेचर के हिसाब से जो फेयर वर्ड है, फेयर रेमुनरेशन का मतलब जो है वो चेंज हो सकता है. तो वैसा ही वो एक जनरल गाइडलाइन देता है, वो एक फिक्स चीज नहीं देता कि आपको कुछ बोला है तो आपको इसी तरह से अप्लाई करना है. ठीक है, समझ में आ गया, मतलब यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द नेचर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ थर्ड वन इज प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पिछले लेक्चर में कि दो इस आपके चैप्टर में दो ऐसे ऑथर दिए हुए हैं, एक हेनरी फॉयल और एक एफ डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने ये जो सारे प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल रहने दो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रहने दो, ये बहुत मतलब अपने करियर के दौरान उन्होंने वो चीजें एक्सपेरिमेंट करके थरली आज बनाया है, जिसे आज लेटेस्ट जो मैनेजर्स हैं, जो नए मैनेजर्स मार्केट में आ रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने बिजनेसेस को चला रहे, सक्सेसफुली चला रहे हैं. तो ये जो बना हुआ प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है ये रातों रातों बन चुका है, ये एक प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करके, थर्ली एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है. सो प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विद दी थरो रिसर्च वर्क, मतलब दिन रात रिसर्च वर्क करके बनाया गया प्रिंसिपल है ये. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग दैट. मतलब कि आज जो आप पढ़ रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन के अंडर रह के, बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके इनके ऊपर जो आज आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें डेवलप की गई है. द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैज बीन डेवलप एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जब ये आपके बुक में या जब मैनेजर्स को ये चीज दी गई कि आप ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, तो ये एक्चुअली बहुत बार ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे करके एंड उसका रिजल्ट फाइनली अगर पॉजिटिव आ रहा है, तब जाके वो बोल रहे हैं कि यस, ये प्रिंसिपल अप्लाई करने से कुछ चेंजेस आ सकते हैं बिजनेस में. कितना चेंजेस आ सकता है, इट इज ऑन यू. कैसे चेंजेस आ सकता है, इट इज ऑन यू. बट चेंजेस तो आ रहा है अगर हमने इसको अच्छी तरह से अप्लाई किया तो. मतलब ये जो बने हैं थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट बने हैं, एकदम से दिन रात को हमने सोचा एंड सुबह बन गया, ऐसी चीज नहीं हुई इसके साथ. ठीक है, ओके. नाउ फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ इजी, वेरी इजी, जनरल गाइडलाइन के साथ थोड़ा अगर आप रिलेट कर सकते हो कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है. मतलब कि एक मैनेजर, अगर मैं एक मैनेजर की बात करूं और बी मैनेजर की बात करूं, तो सेम सिचुएशन होगा लेकिन दे कैन अप्लाई दैट प्रिंसिपल डिफरेंटली, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही बोलता है कि हम इस प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन नेचर साइज. मतलब एन नंबर ऑफ रीजंस है जिससे कि मैनेजर ए, मैनेजर बी कैन अप्लाई सेम प्रिंसिपल डिफरेंटली इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो वो एक फ्लेक्सिबल चीज है. इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट. ठीक है, मैनेजर ए जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका इन्वायरमेंट, उसका रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है, सेम बी का अलग है, तो वो अपने ही प्रिंसिपल को अपनी तरह से मोल्ड करके अप्लाई कर सकते हैं. द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड एंड मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. तो ये एक फ्लेक्सिबल चीज है जो कि हम चेंज कर सकते हैं. जैसे जनरल गाइडलाइन आपको बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे चेंज कर सकते हो, वैसे ही वो बोल रहा है कि दो मैनेजर अगर ये अप्लाई करना चाहे तो दो मैनेजर अलग अलग, मतलब सेम प्रिंसिपल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उस सेम प्रिंसिपल को डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हैं. समझ में आ गया, ओके. नाउ फिफ्थ वन इज बिहेवियरल इन नेचर. बिहेवियरल इन नेचर मतलब कि
ये जो सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे किस चीज को मतलब किस चीज को एक्चुअली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को। जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो है इम्प्लॉयज, वो है मैनेजर्स। अगर मैनेजर एंड इम्प्लॉय के बीच में ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, इट इज बिहेवियर ऑफ वेरियस पीपल, चाहे वो टॉप मिडिल लोअर लेवल पे हैं, उनको उनके बिहेवियर अगर चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस का तरक्की है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई या उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए बिहेवियरल इन नेचर बोला गया उसे। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव अ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैनेजर के भी वही ऑब्जेक्टिव है, इंप्लॉइज के भी वही ऑब्जेक्टिव है। तो प्रॉपर प्रिंसिपल अप्लाई करके आप इन दोनों कैटेगरी जो वो दोनों ग्रुप है उनको आप प्रॉपरली वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हो, उनके बिहेवियर को वन डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। नाउ सिक्स्थ वन इज कॉज एंड रिलेशनशिप। आप कोई भी प्रिंसिपल अगर अप्लाई करने के बारे में सोचते हो, देयर इज सम रीजन बिहाइंड टू बिहाइंड अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल। कॉज मतलब देयर इज सम रीजन कि आप अप्लाई कर रहे हो इस प्रिंसिपल को। फॉर एग्जाम्पल आपके देखो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि जब आप गुड वेजिस पे करने के बारे में सोचते हो, फेयर रेमुनरेशन पे करने के बारे में सोचते हो, मतलब देयर इज अ रीजन कि लोग जो है हताश है, लोग जो है खुश नहीं है सैलरी से। तो प्रिंसिपल जो आप अप्लाई कर रहे हो फेयर रेमुनरेशन, जिस प्रिंसिपल के बारे में आप सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि लोग मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, तो कॉज हो गया। और जब आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हो तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिख जाता है। तो हर एक प्रिंसिपल अप्लाई करने का कुछ ना कुछ रीजन रहता है, और जब आप उस कॉज को मतलब उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हो तो आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये पहले ही सेंटेंस में बोला हुआ है, दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेस द सेल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आप इंसेंटिव्स पे करते हो, अच्छे वेजेस पे करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देख लोगे कि जो आपका आउटपुट है, वर्कर्स का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। या आप प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि जो सेल है वो बढ़ा है। तो मतलब पर्टिकुलर एक कॉज होता है वो प्रिंसिपल अप्लाई करने का, और जब आप वो प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हो तो आपको वो पर्टिकुलर इफेक्ट ऑटोमेटिकली दिख जाता है। नाउ सेवेंथ नेचर इज ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मतलब कि सारे जो आपको जैसे कि आपको नीचे दिए गए हैं, ये जो भी 14 प्रिंसिपल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे प्रिंसिपल जो है उनका जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि आप एक प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा अप्लाई कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे प्रिंसिपल को आप ज्यादा ही कम बहुत ही कम यूज कर रहे हो, नहीं, हर एक प्रिंसिपल उतने ही शिद्दत से आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होना चाहिए, बिकॉज दे ऑल हैव अ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर एंड अदर आर नॉट फॉलोड विद द सेम फोकस, देन द अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके वर्किंग में आपके जो रिजल्ट्स है उसमें दिख जाएगा कि यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू ऑल दी प्रिंसिपल। तो इट मस्ट भी ऐसा होना चाहिए कि आप सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब उन्होंने एक बात बोली है इसे फोकस करना, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं वो एक सोशल साइंस है। देखो, आपने बचपन में सोशल साइंस पढ़ा होगा, सोशल साइंस में बेसिकली आप क्या पढ़ते हो, ह्यूमन बिहेवियर्स पढ़ते हो, और साइंस में आप क्या पढ़ते हो, आप मेनली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। तो वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सोशल साइंस भी है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस भी है। सोशल साइंस इसलिए बिकॉज वी डील इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वी ऑल्सो डील विद द बिहेवियर ऑफ द पीपल, एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस है क्योंकि वी डू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विद दिस बिहेवियर, मतलब विद द बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी। तो जैसे केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल को भी हमको स्टडी करना पड़ता है, अगर हमको वो प्रॉपर अप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन में। विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। सो आप अपने अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अपने
प्रिंसिपल को मॉडिफाई करके प्रॉपरली आप उन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सोशल साइंस भी है और वो साइंस की तरह भी काम कर सकता है। सोशल साइंस इसलिए बिकॉज दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, और साइंस इसलिए बिकॉज हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, या साइंस की तरह ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए उनको ऐसे सोशल साइंस एंड साइंस के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है इस लास्ट फ्यू लाइन्स में। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक था नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक, उसका फीचर, पर्टिकुलरली नेचर किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक 1.4 इज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को आप दूसरा नाम दे सकते हो इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि व्हाई वी हैव टू स्टडी सो मच अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ऐसा क्या काम करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में कि इनको हमको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यही चीज आपको ये कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि एक्चुअली बाय अप्लाइंग दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या क्या चीजें देखी गई हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज को अप्लाई करने का। एंड आप समझ जाओगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखो उन्होंने ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या बोला हुआ है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एसजीसीए के लेक्चर दो तरीकों से चलते हैं, एक यूट्यूब सीरीज जैसे आप हमें अभी देख रहे हो, और दूसरा हमारे खुद के प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलते हैं जहां पे आपको ये सारे टीचर्स आके उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और ये जीमीट पे होता है, लाइव सेशन होता है, इंटरेक्शन एट अ बेस्ट लेवल होता है, और अगर आपके कुछ लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रीमियम बैच ज्वाइन करने पे मिलेंगे। एसजीसी आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमें ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ प्रिंसिपल, और जो ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल है और या प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एज यू स्टडीड, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये हमको एक प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन देता है। कोई भी कभी भी जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन रहता है, मतलब पहले से ही बना हुआ सोल्यूशन रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन में हालांकि देखा गया है कि एवरी टाइम वो प्रॉब्लम आता है। जैसे बार बार जो वर्कर्स है वो डीमोटिवेट होते हैं, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप उनको अच्छे इंसेंटिव्स दे सकते हो, अच्छे वेजेस दे सकते हो, सेल बार बार कम होता है, तो जैसे आई हैव टोल्ड यू कि उस केस में आप अपने एडवर्टीजमेंट ज्यादा कर सकते हो। मतलब हर एक सोल्यूशन का, मतलब हर एक प्रॉब्लम का एक प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन देता है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो ये एवरीवेयर एप्लीकेबल है, एवरी मैनेजर के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी साइज होने दो बिजनेस का, नेचर होने दो, रिक्वायरमेंट होने दो, इट इज टेस्टेड एंड प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। जैसे मैंने बोला था नेचर में कि ये एक थरो प्रैक्टिस से बना है, थरो रिसर्च वर्क से बना है, एक रात में बनाया गया प्रिंसिपल नहीं है। सो इम्पोर्टेंस टू इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। देखो उन्होंने खुद ही क्या बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करने से अंडरस्टैंडिंग क्लियर आती है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम को समझने में और क्लियर हो जाती है। इट फर्दर हेल्प मैनेजर टू फाइंड आउट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल, मतलब वो ऑलरेडी वेल टेस्टेड है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ऑलरेडी वेल टेस्टेड है, तो इसको बेझिझक कोई भी मैनेजर, नया मैनेजर हो, एक्सपीरियंस मैनेजर हो, इसे अप्लाई कर सकता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन टेस्टेड वेरीफाइड कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। The use of this principle helping manager about the manner in which they should act in a different situation. This type of timely guidance reduces the wastage of resource and the goal can be achieved in an appropriate manner. तो बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर ये manager को already पता रहेगा कि ये situation में मैंने क्या करना चाहिए, ये problem को मैंने कैसे handle करना चाहिए, तो वो उसी प्रकार से अपने actions करेगा, course of action apply करेगा, और plus गलती होने से बचेगा। जब गलती होने से बचता है, मैनेजर की कोई गलती नहीं होती है, मतलब ही क्या, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो मिट जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम वेस्टेज होगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। और जब हम इसे एप्रोप्रिएट मैनर में अप्लाई करते हैं तो इट इज चांसेस कि हम अच्छी तरह से अपने जो गोल है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो हम अचीव करें। ओके,
नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो सबसे पहले ये समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट वर्ड. ठीक है, एफिशिएंट मींस विदाउट वेस्टेज. जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस रिसोर्सेज यूज करते हो तो वो विदाउट वेस्टेज होना चाहिए. नाउ इन फर्स्ट टू लाइन दे हैव गिवन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, वन इज फिजिकल एंड अदर वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज. तो फिजिकल रिसोर्सेज में मैन मटेरियल सॉरी मटेरियल मशीन्स एंड मनी आते हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्स में मैन पावर आते हैं. तो जनरली हम इसको 4M करके भी उसे हम प्रनाउंस करते हैं, तो लिख लेना, आपके बुक में नहीं है. सो ये जो सारे रिसोर्सेज है, ये जो सारे M है, वो अच्छी तरह से यूज होना चाहिए, बेसिकली इनका ये कहना है. और ये अच्छी तरह से यूज होने की जो जिम्मेवारी लेता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है. तो वो बोलता है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो एक प्रॉपर बैलेंस बनता है ये सारे रिसोर्सेज में, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज सीक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एंड उससे क्या होता है, कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के वेस्टेज से. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज करो, जिस टाइम पे चाहिए उतना ही यूज करो, मतलब ना ज्यादा ना कम, जितना रिक्वायर्ड है. हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप कम यूज करके जो प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे आप डिग्रेड कर दो, नहीं, जितना चाहिए उसे उतना. और ये भी नहीं कि ज्यादा यूज करो आप उस रिसोर्सेज को, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज करोगे तो वेस्टेज होने के चांसेस है. तो एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करके हमको वेस्टेज होने से बचाता है अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं. सेकेंड उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो उससे ना एक कॉर्डियल रिलेशनशिप आता है. किसके बीच में कॉर्डियल? कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप, जो इधर बोला हुआ है कॉर्डियल रिलेशनशिप. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप होता है जो काम करवा के लेता है, दैट इज मैनेजर, ठीक है, और एक ग्रुप होता है जो काम करता है, दैट इज एम्प्लॉई ग्रुप, ठीक है. इन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं. डिसिप्लिन, एम्प्लॉई जो है डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करते, जब करना रहता है तब काम नहीं करते. मैनेजर की ये प्रॉब्लम होती है, जो इम्प्लॉई को वादा किया है वो निभाते नहीं है, तो इम्प्लॉई भी ढंग तरीके से काम नहीं करते, तो इनके बीच में ना मतभेद होती रहती है. बट अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो इट इज सेइंग कि ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है, हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट मेंटेन करने का काम करता है, जिससे कि एनवायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहता है. और जब कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप या एनवायरमेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी लेवल ऑफ इंप्लॉय एंड आल्सो फैसिलिटेट द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. वो बोल रहे हैं इंप्लॉयज का क्या हो जाता है, अपने आप उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है, काम करने की जो ताकत है, वो इंक्रीज हो जाती है, विदाउट वेस्टेज इंक्रीज होता है. प्लस जो मैनेजर है वो प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट मतलब इंप्लॉयज को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाते हैं. तो इन ऑल पूरे हमने इस सेकेंड जो पॉइंट देखा उसमें यही था कि आप कैसे अपने वेरियस रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एट अ ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूज कर सकते हो. तो इन्होंने यही चीज बोला है, इफ यू डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इफ यू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑफकोर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा. नाउ थर्ड पॉइंट आपको बेसिकली क्या बता रहा है कि जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इससे गाइडेंस लेते हैं तो वो हमेशा हमको एक समझदार तरीके से डिसीजन बताता है. ये नहीं कि ट्रायल एंड एरर मेथड करने को बोलता है, ये नहीं हिट द मिस मेथड करने को बोलता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताता है. जब भी मतलब देखो साइंटिफिक डिसीजन बेसिकली क्या कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो तो ये नहीं कि आप कुछ भी करके उसका सोल्यूशन निकाल दिया और आपने बोला वाह सोल्यूशन निकल गया, नहीं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम, कैसे बढ़ना है, कैसे उस चीज को करना है एंड कंक्लूजन पे लाना है. और इस पूरे दौरान कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सारा रिलेशनशिप अच्छी तरह से होना चाहिए. जैसे साइंस में होता है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर रहे होते हैं तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है, कुछ भी करके आपका वो एक्सपेरिमेंट फुलफिल नहीं होगा. सेम वे वो बोल रहे हैं, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, कुछ भी करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, गलती से हो भी गया तो एवरी अदर टाइम देन यू फेल. तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि आपको साइंटिफिक डिसीजन देने से वो हमेशा रेडी रहता है और आपका जो
डिसीजन होता है हमेशा सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन होता है. प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली, अदरवाइज मैनेजर हैज टू वर्क विद द ट्रायल एंड एरर मेथड. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा मैनेजर को ट्रेन करवाता है कि आपको कैसे बेटर तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करना है और ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना है. ट्रायल एंड एरर मतलब करके देखते हैं, हुआ तो हुआ नहीं तो खराब हुआ, उससे क्या होगा, वेस्टेज होगा. तो ऐसा कभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोलता है. विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड देयर रिजल्ट. ठीक है, तो ऑलवेज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सारे सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करता है एंड देन बहुत सारे ऑप्शंस मैनेजर्स को देता है कि कैसे आप प्रॉपर रिजल्ट के पास पहुंच सकते हो. कुछ भी करके रिजल्ट आया ठीक है, लेकिन वेस्टेज हो सकता है, लेकिन आप जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अप्रोच को फॉलो करते हो तो प्रॉपरली आप रिजल्ट तक पहुंचते हो. ओके, नाउ फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आगे के चैप्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ोगे, बट इन शॉर्ट मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा देती हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के सिवाय कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. अब जैसे कि प्रॉफिट के सिवाय और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे इंप्लॉइज के टूवर्ड्स अच्छा रहना, इंप्लॉइज को फेयर सैलरी देना, कस्टमर को क्वालिटी गुड्स देना, ओनर को प्रॉपर रिटर्न्स देना, है ना, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है. बहुत सारे ऐसे हमारे अदर देन प्रॉफिट, या बोल सकते हो अदर देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फिश जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसको छोड़ के कुछ बाहर के लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स रहता है कि जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ कुछ ईमानदार लोग हैं, उनके साथ हमने अब ईमानदार रहना चाहिए और हम उनके टूवर्ड्स एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, कुछ जवाबदारी रहती है हमारे उनके टूवर्ड्स. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आपके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी फुलफिल हो जाते हैं. कैसे, जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी ही होती है. हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो जाती है. जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, हेंस आप ओनर्स को उनका प्रॉपर रिटर्न्स दे पाओगे. तो सारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनडायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से फुलफिल हो जाते हैं. दूसरा है कि वेस्टेज नहीं होता, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है. प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप सारे बिजनेस के जो लाइबिलिटीज है वो प्रॉपर तरीके से, क्रेडिटर के टूवर्ड्स आप लॉयल रहते हो, सारे प्रॉब्लम का हल निकल जाता है. तो यही बोल रहा है कि आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में एंड फुलफिल करने में आप बखूबी से कर पाते हो इफ यू फुलफिल योर प्रिंसिपल, इफ यू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो रीड कर लेना, वही सारी चीजें हैं. सो आपके क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इधर दिया हुआ है. देखो, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस. रीजनेबल प्राइस मतलब जितना उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा लगा है प्लस सम प्रॉफिट यू कैन टेक इट एंड उसके बाद ही आप प्रिंसिपल जो प्राइस है वो चार्ज करो. ये नहीं कि आपको बनाने में 2 रुपए लगे हैं और आप चार्ज कर रहे हो 20 रुपए, कोई संबंध क्या है, मतलब ये तो ऐसे लूटने के धंधे हो गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके जो प्राइसिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए. अगर 2 रुपए लगा है तो हाँ, आप 2.5, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज तक भी आप ले सकते हो, लेकिन 20 रुपए ये एक अनरीजनेबल प्राइस माना जाता है. ठीक है, फिर अवॉइड आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. आप इकोनॉमिक में पढ़ोगे मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, मतलब आपने मार्केट में अपनी इतनी हवा कर दी कि आप एक मोनोपोली सिचुएशन पे हो, है ना, कि दो बायर एक साथ मोनोपोली पे पहुंच जाते हैं और जितना प्राइसिंग रखना चाहते हैं उतना अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रख के कस्टमर को बहका रहे होते हैं या कस्टमर के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमेशा हमने फेयर कॉम्पिटिशन पे ध्यान देना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन पे ध्यान देना चाहिए. हमने हमेशा इन्वायरमेंट के साथ चेंज होना चाहिए, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे. फिर हमने हेल्दी वर्किंग प्लेस बनाना चाहिए एंड स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी यूज करना चाहिए. तो ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलता है. सो वो बोल रहे हैं कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अंडरस्टैंड कर पाते हो अच्छी तरह से. जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से समझ जाता है, बखूबी से निभाता है, मार्केट में उसकी इमेज गुडविल बढ़ते हैं, अच्छा होता है. ठीक है, नाउ फिफ्थ वन इज इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो R&D बोलते हैं उसको शॉर्ट में. तो आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि फेसबुक R&D कर रहा है या एप्पल कंपनी R&D कर रहा है, टेस्ला R&D कर रहा है. क्यों? क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में. कभी भी एक प्रोडक्ट सालों साल नहीं चलता रहता.
आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देख लो, आज जो चीज लेटेस्ट मानी जाती है वो कल होके आउटडेटेड मानी जाएगी, मतलब वो मार्केट में रहेगी भी नहीं, दिखेगी भी नहीं। तो जो मार्केट है वो बोलता है बिजनेस को कि यू हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आने चाहिए, उनके फीचर्स बढ़ने चाहिए और डेवलप होते रहने चाहिए अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हो। तो कहने का मतलब है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमको मार्केट में टिकाने की कोशिश कर रहा है, वैसे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हमको इनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें क्या बोलता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमको एक फोर्स देता है कि यस वी हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सो मैं आपको बोल रही थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो एवर चेंजिंग होते हैं, डायनामिक जिसे हम बोलते हैं, जैसे इधर बोला हुआ है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। सो वो क्यों चेंज होते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट हमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर में हो, चाहे वो अपने बिजनेस के तौर तरीके हो। जैसे आपने देखे होंगे पहले मैनुअल मशीन्स चलते थे, आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स है, तो पहले जो टाइम होता था वर्कर्स के पास वो बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता था बिकॉज दे वर्क ऑन दी मैनुअल मशीन्स, बट आज ऑटोमेटिक मशीन हो गया है तो उस हिसाब से जो टाइमिंग है वर्कर्स की काम करने की उस एक प्रोडक्ट पे वो कम हो जा रही है। तो मतलब कि ऐसा थोड़ी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको सालों पहले बोलता था कि एक घंटा लगेगा प्रोडक्ट को, तो आज भी वो एक घंटा ही है, नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो समय के साथ चेंज होता है और वो हमें एक बात बोलता है कि आपको भी समय के साथ चेंज होना पड़ेगा, चाहे वो आपके तौर तरीके हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, आपको समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलोंग विद द चेंज इन द बिजनेस वर्ल्ड, ओवर द ईयर दे आर डेवलप टू सूट द करंट नीड, इट एनेबल मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम। सो वो भी जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर रहा है करंट नीड के हिसाब से, वो बोल रहा है कि मैनेजर को भी करंट इन्वायरमेंट के साथ, करंट नीड के साथ चेंज होना चाहिए। मैनेजमेंट ने नए तौर तरीके अडॉप्ट करना चाहिए अपने बिजनेस में, उन्होंने गाइड करना चाहिए कि आज मतलब आज का आउटकम क्या है जो, और हमारा आउटकम कितना आ रहा है, मतलब कि एक्सपेक्टेड आउटकम से क्या हमारे आउटकम मैच हो रहे कि नहीं, कि हम बहुत लैग कर रहे हैं पीछे। तो अगर आप लैग कर रहे हो तो देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको कुछ नया ढूंढने की जरूरत है। इफ नीडफुल मैनेजर कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, कि अगर आपको प्रिंसिपल को भी मॉडिफाई करने की बारी आई तो वो भी अलाउड है, क्योंकि हमने नेचर में देखा था कि प्रिंसिपल क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो हमको जनरल गाइडलाइन दे रहा है, तो हम अपने लिबर्टी, अपने फ्रीडम के साथ हम अपने खुद के डिसीजन बना सकते हैं। फिर हमको एक साइंटिफिक अप्रोच रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। साइंटिफिक डिसीजन मतलब एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस थर्ड पॉइंट कि हमको एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, गोल और अच्छी तरह से अचीव हो। तो बेसिकली ये जो कंक्लूजन है इस पॉइंट का ऐसा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज मोटिवेट यू टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंस ही तो हो गया कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो तो शायद आप ये चीज लैक कर जाओगे और आप पीछे छूट जाओगे। ओके, नाउ सिक्स पॉइंट इज हेल्पफुल टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। हेल्पफुल टू कोऑर्डिनेट मतलब कि आपको अपने बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो इन सारे चीजों को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके, प्रॉपरली कंट्रोल करके आपको एक्टिविटीज करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए तो इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ मैनेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो हर एक स्टेज पे, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट एवरी मैनेजर शुड एबल टू टैकल दीज ऑल सिचुएशन। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइन देता है, एज आई टोल्ड कि गाइडलाइन देता है वो फुल्ली, ताकि वो कैसे बेटर कोऑर्डिनेट कर पाए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर्स सूटेबल सिस्टम वाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है, आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कंट्रोल तभी कर पाते हो इफ यू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेवन पॉइंट इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब क्या होता है ना, विदाउट एनी पार्शियलिटी। जब आप कोई सब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हो तो इट मीन्स इट इज सम
बायस वाली थिंग, मतलब आपने अपने बिहेवियर में सम बायस लाया हुआ है, ठीक है, पार्शियलिटी लाई हुई है. बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विदाउट पार्शियलिटी बोलता है कि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब विदाउट पार्शियलिटी वाली अप्रोच अपनानी चाहिए. सो विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच. लिख सकते हो उधर विदाउट पार्शियलिटी मैनेजर कैन आइडेंटिफाई दी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑन इट. इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द मैनेजर. तो हमेशा जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो सारी चीजें आती हैं वो अच्छी ही आती हैं. अपॉर्चुनिटीज हो, प्रॉब्लम को हल करने की समझदारी हो, या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बारी हो, वो सारी चीजें अच्छी तरह से हमारे दिमाग दिल में बैठ जाती है. मतलब हमारे अंदर एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आता है. ओके, सो ये 7 पॉइंट थे. मतलब मैंने आपको एकदम 110% देने की कोशिश की है कि कंटेंट तो बहुत बड़ा बड़ा है. बहुत सारे बच्चे ऐसे कंटेंट देख के घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ना सेंटेंस वाइज, वर्ड वर्डिंग वाइज आपको समझाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी है. सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिवली बोल सकते हो, आपको साइंटिफिकली समझ के उसको पढ़ना है. एंड आप एट द एंड देखोगे ये पॉइंट बहुत सिंपल है. पॉइंट लर्निंग का सिर्फ प्रॉब्लम रहेगा, वो तो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे आप कुछ 14 प्रिंसिपल पढ़ोगे और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो, बहुत बार पूछे गए हैं. तो डू वॉच दैट लेक्चर्स ऑल्सो. ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताना. सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टार्ट करते हैं अपना दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, विच इज ऑन थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. सो हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा रहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा करता है. दैट इज नेचर हमने पढ़ लिया था कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. एंड हमने पिछला लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया था. सिग्निफिकेंस मतलब व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सो इम्पोर्टेंट टू अप्लाई इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो इस लेक्चर में हम बेसिकली वही थेरीज पढ़ने वाले हैं, इंटरप्रेट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, कौन कौन सी थेरीज है जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और उन थेरीज को हम कैसे अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है कि थेरीज हम क्यों अप्लाई करते हैं टू अचीव सेम ऑब्जेक्टिव इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. एक जनरल रूल दिया गया है, एक जनरल गाइडलाइन दिया गया है जो एवरी इंप्लॉइज को गाइड करने के लिए काम आता है. देन आपको नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है कि ये जो थेरीज है ये एरे गेरे नथू गेरे से नहीं आए हुए हैं, ये बहुत बड़े महान लोगों से आए हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करके, जिन्होंने डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करके, एक्सपेरिमेंट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है, जैसे कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एलोन मायो एंड हेनरी फॉयल जैसे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है ये थेरीज. और थेरीज जो है वो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम लायक है, इसीलिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड लर्न. और ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसलिए ये अभी यूज नहीं हो सकते मॉडर्न वर्ल्ड में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक बेस है मॉडर्न वर्ल्ड के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इनोवेट कर, मतलब अपनी थेरीज बनाने का. कोई भी जो नए मैनेजर्स आते हैं, लेटेस्ट मैनेजर आते हैं आज के तारीख में, तो सबसे पहले ये इन्हीं ऑथर्स के कुछ लिखे हुए थेरीज पढ़ते हैं एंड देन अपना फिर मॉडर्न जो थेरीज है उनको डेवलप करते हैं. तो इन बेसिकली हमको मॉडर्न मैनेजमेंट थेरीज पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे ओल्ड थेरीज है जिसका बेस एक्चुअली ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. ओके, सो आप एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम
जो कॉमन सोसाइटीज में या बिजनेस में बहुत बहुत कॉमनली एक प्रॉब्लम माने जाते हैं, जैसे सेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, लो मोटिवेशन, स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज का प्रॉब्लम हो गया, बिहेवियरल प्रॉब्लम का इशू, ये सारे इश्यूज का जो सोल्यूशन है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये पैराग्राफ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा है ऑन थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। नाउ 1.6 जो टॉपिक है वो है हेनरी फॉयल के कुछ योगदान बताते हुए कि हेनरी फॉयल कौन थे, हेनरी फॉयल ने क्या किया था, कौन सी बुक्स लिखी थी, कैसे वो थ्योरीज डेवलप हुए थे। तो वो सबसे पहले सेंटेंस में वो बोल रहे हैं कि वो कब बर्थ हुए थे और कब डेथ हुए थे। तो 1841 में उनका जन्म हुआ था, 1925 में उनका डेथ हुआ था। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, एक कंपनी में लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्री एंड सक्सेसफुल मैनेजर। मतलब एक माइनिंग इंजीनियर, एक सिंपल माइनिंग इंजीनियर से उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे कुछ किया जो वो आज लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा वो एक सक्सेसफुल मैनेजर वो फेस ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनका जो करियर है, एज आई टोल्ड यू, माइनिंग इंजीनियर से स्टार्ट हुआ एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में, एंड वो रिटायरमेंट होते होते वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD जैसे पोजीशन से वो रिटायर हो गए। इट इज नॉट नॉर्मल थिंग, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक जस्ट एक क्लर्क टाइप से ज्वाइन हुए हो और आप रिटायर होते वक्त आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि इतने इंपॉर्टेंट पर्सन से आप रिटायर हुए हो, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किया ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्होंने 14 कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए, जिस जहां कहां पे लिखा हुआ है, उनके एक फेमस बुक में लिखा हुआ है, जो आप डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। और उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन से उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला गया, या उनको वो एक नाम दिया गया, उनको एक पद दिया गया कि वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। क्योंकि आजकल जो भी नया मैनेजर आता है ये प्रिंसिपल को जरूर पढ़ता है, या आप बोल सकते हो MBA की स्टडी में, BBA की स्टडी में इनके प्रिंसिपल जरूर से जरूर होते। इनफैक्ट यू आर इन 12th एंड यू आर रीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो उसमें भी आपको जो फर्स्ट चैप्टर है यही दिया हुआ है कि आप फ्यूचर में जाके बिजनेस को संभालने वाले हो, तो फर्स्ट हैंड आपको क्या पढ़ना चाहिए, यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हर एक मोस्टली जो मैनेजमेंट के करिकुलम्स रहते हैं वो हर एक करिकुलम, हर एक सिलेबस में इनका जो ये योगदान है जरूर से जरूर बताया गया है, इतने इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली। नाउ उनके 14 प्रिंसिपल क्या है, तो ये सारे 14 प्रिंसिपल हम वन बाय वन इंटरप्रेट करेंगे, पढ़ेंगे कि बेसिकली वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। तो वो बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आपने हमेशा अपने वर्क को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो देर आर लॉट ऑफ वर्क, देर आर नॉट वन टाइप ऑफ वर्क, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो उन्हीं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क को ग्रुपिंग करो, कुछ अकाउंटिंग टाइप ऑफ वर्क होंगे, कुछ टेक्निकल टाइप ऑफ वर्क होंगे, कुछ फाइनेंशियल टाइप ऑफ वर्क होंगे, कुछ सिक्योरिटी ऑपरेशन या मैनेजरियल टाइप के वर्क होंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के जो वर्क है उनको एक जगह पे लिखो, और उनके नीचे सारी एक्टिविटीज लिखो जो उस टाइप ऑफ वर्क के साथ रिलेट करते हैं। ना वो सारे एक्टिविटीज करने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए। अब वैसे पर्सन को ढूंढो जो वो पर्टिकुलर काम करने में एकदम परफेक्ट है। मतलब आप उस पर्सन को वो जॉब असाइन करोगे हु हैव क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू दी वर्क। मतलब असाइन दी एम्प्लॉई एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि जब आप वो वर्क डिवाइड करते हो और अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटी वर्क असाइन करते हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉय एंड अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। मतलब काम विदाउट वेस्टेज होगा, एक्सपर्ट लेवल पे होगा, एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। वाओ, मतलब कि एक प्रिंसिपल अप्लाई करने से इतने सारे फायदे हो रहे हैं। अभी हम बहुत सारे प्रिंसिपल, मतलब 13 प्रिंसिपल बचे हुए हैं। नाउ सेकंड प्रिंसिपल, वन प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स राइट टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन। जैसे जब आप PM बनोगे, जब आप किसी कंपनी के CEO बनते हो, तो आपको एक अथॉरिटी दी जाती है। वो अथॉरिटी मीन्स पावर यू हैव
टू टेक डिसीजन, ठीक है। और जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो हमेशा अथॉरिटी के साथ मैच्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना तो ऑफकोर्स बनता है। तो वही चीज बोला हुआ है कि जब आपको अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना रहता है तो ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अथॉरिटी तो दिया ही नहीं। जस्ट इमेजिन कि आपको बोला कि आप अकाउंटिंग का काम करोगे, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज जिम्मेवारी, ठीक है। ये एक जिम्मेवारी दे दी एज कि आपको अकाउंटिंग का काम करना है पीसी पे, लैपटॉप पे, वॉट एवर, बट यू डिडंट गिवन, आपने उसे अथॉरिटी दिया ही नहीं। अथॉरिटी मीन्स आपने उसे पावर दिया ही नहीं। जब तक आप उसे उस चीज को करने के लिए पावर नहीं दोगे तो वो काम कैसे होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब आपको एक काम कंप्लीट करवाना रहता है तो एवरी सबॉर्डिनेट शुड बी गिवन प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उससे मैचिंग उनको अथॉरिटी देनी पड़ती है। तो आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि अगर आप मैनेजर को कोई अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको आप लेटर ऑन रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाते हो कि काम टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी दी थी और प्लस आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आप उसे बाद में अकाउंटेंट को नहीं पकड़ सकते कि टाइम पे काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। वो तो सबसे पहले यही बोलेगा बिकॉज मुझे अथॉरिटी नहीं मिली थी, या अथॉरिटी मिल गई थी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली थी। तो हमेशा इन दोनों को इक्वल रखना पड़ता है। आपको अथॉरिटी के मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, या आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैचिंग आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है। सो मैनेजर शुड गिव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू दी गोल। तो हमेशा एक पर्टिकुलर, चाहे वो मैनेजर हो या इंप्लॉई हो, आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है और उसके मैचिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है ताकि आप उसे रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर पाओ कि आपने ये टाइम पे काम कंप्लीट क्यों नहीं किया। ओके, नाउ थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नाउ डिसिप्लिन, स्कूल में आपने डिसिप्लिन वर्ड तो हजार बार सुना होगा। तो डिसिप्लिन वर्ड वही है सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग, कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक इंप्लॉई के लिए डिसिप्लिन होता है। अब डिसिप्लिन मतलब टू फॉलो या टू ओबे या रिस्पेक्ट रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप स्कूल में जाते थे तो कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते थे, जब आप उसे फॉलो करते हो मींस यू आर डिसिप्लिन। तो सेम वे इंप्लॉइज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है टू बी डिसिप्लिन। नाउ इसमें आपको बोला हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हेल्प करता है। डिसिप्लिन, गुड डिसिप्लिन ऑलवेज हेल्प टू रिजल्ट इन अ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो अभी उन्होंने कंक्लूजन में ऐसा बोला हुआ है कि चाहे वो इंप्लॉइज हो चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो, दोनों ग्रुप को क्या फॉलो करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैनेजर को भी अपने कुछ रूल्स दायरे फॉलो करने पड़ेंगे और इंप्लॉइज को भी अपने रूल्स एंड दायरे फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंप्लॉइज या ये सिर्फ सबॉर्डिनेट के लिए है। आपको लास्ट में बोल दिया है कि जो बेसिक डिसिप्लिन रहते हैं वो एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सारे लेवल पे डिसिप्लिन देखा गया है। सो देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन रूल। लेकिन सबसे पहले यह बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। मैनेजर ने प्रॉपरली इंप्लॉइज को समझा के दे देना चाहिए कि ये हमारे रूल्स है, ताकि वो इंप्लॉइज फॉलो कर पाए अच्छी तरह से। ये भी एक कंसर्न की बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अरे ये प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है कि हर एक सबॉर्डिनेट मतलब आप उसको इंप्लॉई बोल सकते हो या जूनियर बोल सकते हो सीनियर का, ठीक है। जैसे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट कौन होता है, सुपीरियर मीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर। तो जब भी सबॉर्डिनेट को काम मिलता है तो उसे हमेशा एक बॉस से काम मिलना चाहिए, एक मैनेजर से काम मिलना चाहिए। उसे एन नंबर ऑफ मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट काम दे रहे तो अल्टीमेटली होगा क्या, कोई भी काम नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी लेवल जीरो हो जाएगी। मैं ये करूं वो करूं क्या करूं। तो हमेशा जब भी किसी सबॉर्डिनेट को काम मिलता है तो इट शुड बी फ्रॉम वन
मैनेजर वन सुपीरियर ओनली, ठीक है। मतलब कि देखो आप देख रहे हो ये एक सबऑर्डिनेट है, ये एक सबऑर्डिनेट है, ये एक सबऑर्डिनेट, एस एस टू एंड एस थ्री, तो इन तीनों सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर से डायरेक्शन मिल रहा है, तो इट इज राइट अप्रोच। और रॉन्ग अप्रोच देख रहे हो, तो ये एक सबऑर्डिनेट है तो उसे इस बॉस से भी डायरेक्शन मिल रहा है, इस बॉस से भी डायरेक्शन मिल रहा है, नो रॉन्ग अप्रोच। आपको सर, आपके सर पे एक से ज्यादा सुपीरियर नहीं रहने चाहिए, सिर्फ एक ही सुपीरियर रहना चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे रहा है। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन, डिस्प्यूट्स, ये हेल्दी अनहेल्दी इन्वायरमेंट से आप बच सकते हो। तो देखो, ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, कोई भी इंसान हो एक ही सुपीरियर से वो ऑर्डर ले रहा है। प्रिंसिपल हेल्प इन द मैनेजर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जो लड़ाई झगड़ा है उसको सॉल्व करने में हेल्प होता है। अमंग द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, इफ इंप्लॉइज रिसीव कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी ही विल गेट कंफ्यूज एंड विल नॉट एबल टू टेक डिसीजन अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलोड। अगर वो एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और किसका ऑर्डर वो फॉलो करे, वो किसी का भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, अरे इस मैनेजर ने ये बोला था तो मैं इसके काम में बिजी था, अरे उस मैनेजर ने ये बोला था तो मैं इसके काम में बिजी था, मतलब वो दोनों के मैनेजर का काम नहीं करेगा और आराम से चिल मार रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक ही अगर उसके सर पे इंसान बैठा रहेगा तो तू क्या कर रहा था इतने टाइम पे, तो वो पकड़ सकता है, उसको कैच होल्ड कर सकता है। अगर दो मैनेजर उसके सर पे नहीं हुए तभी ये पॉसिबल है, तो ऐसा ही होना चाहिए। सो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड, ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली हिम, ठीक है। तो हर एक के सर पे एक ही सुपीरियर होना चाहिए और उससे ही ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। आई थिंक सो ये एकदम क्लियर है, एकदम कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और डायरेक्शन, सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और डायरेक्शन क्या बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, कहने का मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके प्लान या उनके ऑब्जेक्टिव गोल भी एक ही होना चाहिए। अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव या गोल रख दोगे तो जो इंप्लॉइज है, मैनेजर है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद एक भी प्लान या ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए। तो ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, मतलब सारे मैनेजर के पास एक ही प्लान होना चाहिए, टुवर्ड्स दैट गोल हमें अपने सारे काम करने हैं। अगर आप एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव रखोगे तो शायद कंफ्यूजन बढ़ेगा। नाउ सिक्स्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। बहुत लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये टॉपिक, ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। ना सबॉर्डिनेशन मतलब इधर छोटा, ठीक है, सबॉर्डिनेशन मतलब छोटा, हमेशा आपके इंडिविजुअल जो कुछ चाहते होती हैं, जैसे हर एक इंप्लॉइज की, हर एक मैनेजर की अपनी अपनी कुछ चाह होती है। जैसे मेन जो चाह है हर एक इंप्लॉय का, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले या उनको अच्छी पोजीशन मिले, अच्छा प्रमोशन मिले, हर एक इंडिविजुअल की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर मैं बोलूं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ चलते हो और आप अपने खुद के गोल के साथ चलते हो, तो हमेशा खुद का जो गोल है वो नीचे रखना चाहिए या छोटा रखना चाहिए एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कहने का मतलब है, मैनेजर अगर ऐसा चाह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं तो वो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो फर्स्ट हैंड पे रखना चाहिए। जैसे एक मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल एक तारीख को एक मीटिंग बैठने वाली थी, ठीक है, कोई भी एक तारीख ले लो, एक तारीख को मीटिंग बैठने वाली थी जिसमें फाइनेंस मैनेजर का होना बहुत जरूरी था, और उसी दिन उसके घर में शादी निकल के आ गई, ठीक है। तो अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से बोलता है कि अगर वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट उसने पहले देखना चाहिए, और ये जो सेकेंडरी जो शादी वादी इमोशनल वाली चीजें हैं वो उसने सेकेंड, मतलब अगर वो मीटिंग नहीं रहती तो वो जा सकता था, लेकिन मीटिंग है इसीलिए पहला इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए
एंड देन अगर वो मीटिंग से फ्री होता है देन उसने शादी या फंक्शन जो भी है उसने वो अटेंड करना चाहिए. तो आपको अब इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन देन मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर दी मतलब कि जो होल ग्रुप का इंटरेस्ट है वो पहले देखना चाहिए. क्योंकि सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर आप होल ग्रुप का इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ज्यादा फोकस करोगे तो उससे जो फायदे होने वाले हैं होल ग्रुप को फायदे होने वाले. लेकिन अगर आप सिंगल इंटरेस्ट देखोगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखोगे तो फायदा उसमें सिर्फ आपका ही है. तो आपने किसको फोकस करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को. सो सिमिलरली एम्प्लॉई शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबॉर्डिनेटेड. For example, in every game, the player are always thinking about winning the match as a team rather than their individual record. तो आपने चक दे इंडिया में देखा होगा कि दो प्लेयर होते हैं वो लास्ट तक अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाने के पीछे पड़े रहते हैं rather than winning कि हमने जीतना है. बट हमेशा हमने जीतना है ये पहला होना चाहिए और हमारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो सेकेंड हैंड होने चाहिए. ठीक है. नाउ सेवेंथ वन इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. नाउ सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. जैसे आप कहीं कहीं पे किसी किसी कंट्री में देखते हो ना जहां पे जो प्रेसिडेंट है जहां पे जो चेयरमैन है उस कंट्री का उसके हाथ में सारी पावर रहती है. लेकिन आप इंडिया जैसे अगर कंट्री में देखते हो तो देर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन की पावर जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास है. फिर उन्होंने हर एक स्टेट सीएम को दिया हुआ है पावर अपने कुछ पावर. फिर सीएम ने लोकल अथॉरिटीज को दिया हुआ है. मतलब देर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन टाइप ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो. तो बोलना ऐसा है इस प्रिंसिपल का कि देखो जहां पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे छोटी कंट्री है वहां पे सेंट्रलाइजेशन वे बहुत बेस्ट है. क्योंकि छोटी कंट्री है आप ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हो आप इफेक्टिवली चला पाओगे ऑर्गेनाइजेशन को. लेकिन जहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत लार्ज स्केल पे है वहां पे आपको थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन वे ऑफ मैनेजमेंट रखना पड़ेगा. मतलब आप अपने हाथ में सारी पावर नहीं रख सकते. अपने हाथ से थोड़ी कुछ पावर छोड़ के आपको अपने नीचे के सबॉर्डिनेट्स को देना पड़ेगा. तो अब ये बोलते हैं कि यार अगर स्मॉल हो तो सेंट्रलाइज ही और लार्ज हो तो डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा क्या फिक्स है क्या? नहीं, आप अपनी मर्जी से जैसे कहां पे लिखा हुआ है तो उन्होंने ऐसे लास्ट में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेचर ऑफ एक्टिविटी. मतलब ऐसा कहीं प्री डिफाइंड नहीं है कि अगर छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन ओनली एंड बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन. इट इज ऑन योर विश ऑन द नेचर ऑन द साइज. आप सारी चीजें परमोटेशन कॉम्बिनेशन करके बोथ भी रख सकते हो एक भी रख सकते हो. इट इज होल एंड सोल योर डिसीजन. बट ऑलवेज प्रिंसिपल इज सेइंग कि हमेशा मिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. कुछ एरिया में सेंट्रलाइजेशन रखो मतलब अपने ही हाथ में सारी पावर रखो जैसे फाइनेंस एक्टिविटी हो गई. और कुछ एरिया में जहां पे आप थोड़ा छूट दे सकते हो वहां पे आप डिसेंट्रलाइजेशन रख सकते हो. ओके. नाउ प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन. ये पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? ये पॉइंट बोल रहा है कि हमेशा जब भी रेमुनरेशन दैट इज सैलरी एंड वेजेस की बात आती है तो हमेशा वो फेयर होना चाहिए. ठीक है. मतलब हमने बहुत बार देखा है ना कि कुछ एम्प्लॉई को बहुत ज्यादा सैलरी होती है. जैसे खासकर देखो जहां मैनेजर के कुछ चाहती लोग होते हैं ना कुछ फेवरेट लोग होते हैं ना उनकी सैलरी ज्यादा रखते हैं. और जो थोड़े से ऐसे जो बोलते हैं चमचागिरी नहीं करते उनकी सैलरी कम रखी जाती है. मतलब इसीलिए तो पूरा देश ऐसे चमचागिरी पे चलती है कि मैं चमचागिरी करूंगा तो मेरा ज्यादा फायदा होगा. तो ऐसा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या दिस प्रिंसिपल कि ऐसा नहीं होना चाहिए. वो उतना ही काम कर रहा है ये भी इतना ही काम कर रहा है इसकी भी क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज वही है इसकी भी क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटी यही है. तो रेमुनरेशन सेम होना चाहिए. सेम दोनों पोजीशन पे काम कर रहे दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे दोनों सेम डिपार्टमेंट पे काम कर रहे तो इतना डिफरेंसिएशन क्यों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि ये डीमोटिवेट हो सकता है अगर आपने उसको सेम सैलरी नहीं दी. ये आपकी कंपनी को छोड़ के जा सकता है जिससे नुकसान आपका ही है. तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखना चाहिए कि ऑलवेज यूज फेयर रेमुनरेशन क्राइटेरिया. ठीक है. हाँ ये भी नहीं बोल रहे कि आप प्यून को वही सैलरी दो एंड सीईओ को वही सैलरी. ऐसा नहीं. सेम सारी चीजें हैं तो व्हाई नॉट सेम सैलरी व्हाई नॉट फेयर रेमुनरेशन. सो एम्प्लॉयज
इट इज अ प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली एज वेल एज रिटेन देम फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो उन्हें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर पाओगे. द फेयर रेमुनरेशन अफेक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंटली लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करते हो सकता है उनके काम पे, उनके सारे एफिशिएंसी लेवल पे ये सारी चीजें इम्पैक्ट दिखे आपको. तो हमेशा रेम्यूनरेशन आपने कौन कौन सी चीजों को देख के करना चाहिए कि उस पर्सन का स्किल क्या है, उसका एक्सपर्टीज क्या है, नॉलेज क्या है, टेन्योर क्या है, मतलब वो कितने दिनों तक आपकी कंपनी में रहा है. उधर का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मतलब जैसे आप देखोगे मुंबई का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मुंबई का जो रहने सहने का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू छोटे जो गांव वगैरह है उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना नहीं है. तो जो मुंबई में बेस्ड कंपनी है वो ज्यादा सैलरी उसका देना बनता है बिकॉज उधर की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, और गांव खेड़े में जो है उधर कम भी दे सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो ये आपको देखना पड़ता है. मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है, मतलब कि वो इम्प्लॉइज जिस फील्ड में है उनको कितनी सैलरी दी जा रही है हाल फिलहाल में, वो भी आपको देखना बनता है. प्लस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो भी देखना बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी किसके वजह से हो रही है, इंप्लॉइज के वजह से हो रही है. तो अगर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है तो आपने ज्यादा सैलरी देना चाहिए. तो ये सारी चीजें इधर बोली हुई है. नाउ नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन. तो स्केलर चेन में क्या बोला गया है कि जब भी आपको सबसे पहले स्केलर चेन आपको समझा देती हूँ, मींस द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लेवल, टॉप टू लोअर लेवल. मतलब कि एक चेन की तरह होती है, जैसे आप इधर देख रहे हो ए बी सी डी, एंड ए सबसे टॉप पे है, बी उससे छोटा है, सी एंड डी. तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन पास ऑन करना रहता है, मतलब इफ डी वॉन्ट्स टू पास सम इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट इंप्लॉय, मतलब अगर उसको जी को कोई कम्युनिकेशन पास ऑन करना है तो वो डायरेक्टली जो है ऐसे नहीं जा सकता. कब जा सकता है मैं बोलती हूं, लेकिन ये डायरेक्टली जी के पास नहीं जा सकता है क्योंकि इससे कम्युनिकेशन गैप ऑफ कम्युनिकेशन आने का चांसेस है. तो हमेशा उसने अपने सुपीरियर को बताना चाहिए पहले, फिर दूसरे सुपीरियर ने अपने अपने सुपीरियर को बताना चाहिए, एंड सो ऑन, एंड देन ए जाके वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट को बताएगा, एंड देन इसको, एंड देन इसको. तो ये एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है जिससे कि कम्युनिकेशन गैप या कंफ्यूजन लेवल जो रहता है वो हमेशा मेंटेन रहता है, कोई कंफ्यूजन आने के चांसेस नहीं रहते हैं. बट हाँ, जब आप ये चीज फॉलो करोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, जिससे कि हो सकता है कि आप टाइम पे इंफॉर्मेशन ना मिलने से टाइम पे एक्शन ना ले पाओ. इसलिए स्पीडी करने के लिए, कोई भी कम्युनिकेशन को स्पीड करने के लिए एक इधर शॉर्टकट बनाया है, जिस शॉर्टकट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक. ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन उतना इंपॉर्टेंट है जिसका जिसका जाना टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप गैंग प्लैंक को, मतलब एक शॉर्टकट को यूज करके, मतलब डी टू जी डायरेक्ट जा सकते हो अगर वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. फॉर अवॉइडिंग दैट लॉन्गर चेन टेकिंग स्पीडी डिसीजन क्रॉस कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लान. फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा अथॉरिटीज से, वरना सेम रिजल्ट होगा, कंफ्यूजन वगैरह रिजल्ट होंगे. लेकिन हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मेन यही बोलता है कि प्रॉपर डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यू कैन यूज शॉर्टकट, बट विद द प्रॉपर परमिशन. ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी का लेके. नाउ टेन वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब वो कमांड वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मतलब एवरीथिंग हैज टू बी इन देयर प्लेस. जैसे कि स्टेशनरी हमारे स्कूल में, या आपने अपना जब टेबल स्टडी रूम लगाया होगा तो बुक, अकाउंट्स की बुक एक जगह पे, एसपी की बुक्स एक जगह पे, ओसीएम की बुक एक जगह पे, आपने अपना क्लॉथ अलमीरा में रखा होगा, स्टेशनरी आपने टेबल के ड्रॉअर में रखा होगा, आप जब पढ़ने के लिए बैठते होगे तो प्रॉपर जगह पे पढ़ने के लिए बैठते होगे. व्हाई? टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है, होता क्या है, जब हमको स्टेशनरी लगती है तो हम इधर उधर, जो कभी कभी इंसान अपने प्रॉपर ऑर्डर नहीं रखता तो उसका आपने देखा होगा कंफ्यूजन, इधर उधर वो ढूंढता रहता है, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है. तो बिजनेस में क्या बोला हो गया है कि हर एक मटेरियल का, हर एक मैन का प्रॉपर केबिन होना चाहिए, हर एक रिसोर्सेज का प्रॉपर जगह होनी चाहिए
जैसे अगर किसी को वो टूल चाहिए तो उसको इधर उधर 10 लोगों से पूछने की जरूरत ना पड़े, बट वो उधर जाके जहां पे उसका प्रॉपर प्लेस है वहां पे जाके वो चीज उठा के यूज कर सके, या अगर उसे किसी प्रॉपर पर्सन से मिलना है तो हर एक इंसान का प्रॉपर केबिन होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर उस केबिन में जाके उससे जो भी कम्युनिकेट करना है वो जाके कम्युनिकेट कर पाए, और विदाउट वेस्टेज होना चाहिए, राइट टाइम पे होनी चाहिए। आपने बैंक वगैरह में देखा होगा हर एक इंप्लॉई उसी जगह पे रोज बैठा रहता है, कैश काउंटर का इंसान हाँ मंथली वगैरह चेंज होते हैं लेकिन जब तक उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट है वो उसी जगह पे बैठा रहेगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और किसी अगर स्टाफ को भी अगर जाना है उस प्रॉपर पर्सन के पास तो वो उसी डायरेक्शन में जाए। सो प्रॉपर ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अ ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल शुड बी इन अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम फॉर अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्स शुड बी प्लेस एट अ राइट प्लेस एंड राइट जॉब। प्रिंसिपल फोकस ऑन अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नाम से ही देखो क्या बोल रहा है कि हमने पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। इधर सीधा लिखो नो पार्शियलिटी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आप इंप्लॉइज को ट्रीट करते हो, जब आप ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज को काम देते हो, तो उधर आपके डेलीगेटिंग अथॉरिटी में या डिसाइडिंग दी मॉनेटरी टर्म, उनको सैलरी वेजेस देने में कभी भी आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आपने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी आपने प्रॉपर उन्हें रेमुनरेशन देना चाहिए, प्रॉपर उनका लेवल देख के, प्रॉपर उनकी वर्किंग लेवल देख के, एंड ऑल सारी चीजें अगर सेम होती हैं तो आपने सेम वेजेस पे करना चाहिए। मतलब इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, काम अच्छे से होगा। तो ये बोल रहा है कि आपने पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। ओके, नाउ सेकंड वन इज मतलब 12th वन इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये क्या बोल रहा है, टेन्योर मतलब रहने का समय, कि जब एक एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में आता है तो ऐसा नहीं है कि आपने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया या आपने उसे हर एक हफ्ते में आप उसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट डिफरेंट वर्क टाइप ऑफर कर रहे हो, उसे एक स्टेबिलिटी दो। मतलब कि आज आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो ना, तो आप 1 साल 2 साल तक अकाउंटिंग का काम करोगे, फिर उसको फिर हायर पोजीशन पे या डिफरेंट लोकेशन पे आप उसे भेजो। मतलब एक बार आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो आप उसकी जगह फिक्स रखो, तो आप क्या होगा कि लोग भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबल हो जाएंगे अपना टेन्योर को लेके, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी उनको मन में कि ये बिजनेस हमको हर वक्त अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे भेजेगा। एक स्टेबिलिटी रहेगी उनके मन में और वो अच्छे से काम कर पाएगा। सो मैनेजर शुड एश्योर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या जॉब सिक्योरिटी। मतलब आप उन्हें बार बार निकालोगे हकालोगे नहीं, उसे आप एक गारंटी दोगे कि आप बिजनेस में आए हो तो आप इस जॉब पे एक पीरियड के लिए रहने वाले हो, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगा उनको कि अपना ही कंपनी है और वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे विदाउट फेयरिंग कि उनको निकाल दिया जाएगा, है ना। उनको एक मन की आश्वासन हो जाएगा कि नहीं मुझे इधर कोई डर नहीं है, मैं अच्छे से काम कर सकता हूं बिकॉज मेरे पास स्टेबिलिटी है टेन्योर का। ओके, नाउ 13th वन इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कोई काम वॉलेंट्री लेना इनोवेटिव वे से करने के लिए। तो हमेशा हर एक इंप्लॉय इनिशिएटिव लेना चाहिए, वॉलंटरी उसने काम लेना चाहिए, जिससे कि हर जो मैनेजर है वो भी खुश हो कि यस ये इंसान इनिशिएटिव बता रहा है तो उसे और काम दे सकते हैं, प्रॉपर सजेशन दे रहा है, प्रॉपर काम में इंटरेस्ट बता रहा है। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग बिल्टअप होगी, कॉर्डियल रिलेशनशिप आएगा, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्टअप होगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉलो करने से दिखेगा, ठीक है। सो हेल्दी एनवायरमेंट is a positive result of this principle of initiative. Last but not least is principle of esprit de corps. Now esprit de corps उसके साइड में ही ब्रैकेट लिखा हुआ है, टीम वर्क में हमेशा काम करना चाहिए, सिर्फ सेल्फ गोल पूरा हो जाए ऐसा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 employee काम कर रहे हैं, 10 में से 2 employee बीमार हो गए, हर एक को 10-10 का टारगेट दिया हुआ था आउटपुट बनाने का, बट 2 employees बीमार गिर गए, तो इन्होंने 8 मतलब इन्होंने अपने 80 आउटपुट्स तो कंप्लीट कर लिए, मतलब ईच 10-10 तो कर लिया 8 employee ने, बट वो 2 employee की वजह से क्या हो रहा था कि 20 का जो आउटकम था वो शॉर्टेज हो रहा था। तो एस्प्रिट डी कॉप्स के कहना है कि अब आपको पता है कि वो इंसान बीमार है तो काम नहीं कर सकता, तो वो 20 का आउटपुट भी जो बाकी के जो टीम है उन्होंने इनिशिएटिव बताना चाहिए कि हाँ हम उसका भी
काम करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे और नॉट अ इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल को तोड़ना आसान है, जब आप टीम की तरह मिलजुट के काम करते हो तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक टीम है और हमेशा टीम वर्क पे ज्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल। सो देखो एस्प्रिट डी कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, हमेशा क्या है यूनियन, मतलब जब साथ में सारे लोग आ जाते हैं तो वो एक बहुत मजबूत चीज बन जाती है। सो रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप एक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स आर अ वैल्यूएबल असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग एज अ यूनियन विद म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। सब साथ में काम करेंगे तो साथ में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और अच्छी तरह से म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा, एक दूसरे पे भरोसा आएगा, जिससे कि एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट एस्प्रिट स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉइज टू द अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इजिली। तो हर एक मैनेजर ने सबके अंदर ये भावना लानी चाहिए कि हम एक ग्रुप के इंडिविजुअल है, एक पार्ट है, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमको जो गोल अचीव करना है वो मिलजुल के गोल अचीव करना है। समझा आप लोगों को? तो ये 14 प्रिंसिपल जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे समझने के लिए, इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग भी, क्योंकि आपको जब MBA करना चाहते हो, BBO करना चाहते हो, तो इनके सिलेबस में भी ये चीज है। तो आप पक्का ये सब अच्छी तरह से समझ लेना, नहीं समझ में आया है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन बनाया गया है YouTube की तरफ से, तो उसमें जरूर आप लिख देना कि ये सारी चीजें हमको दोबारा अगर समझा के दी जा सकती है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप जरूर ये सारी चीजें सजेशंस वगैरह आप जरूर हमें देते रहना, यही इससे हमको वही समझ में आता है कि वेदर यू आर लाइकिंग दी लेक्चर या आपको कुछ डाउट रह रहा है मन में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आज के लिए मैं इतना ही करूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्होंने दिया था उनको पढ़ेंगे एंड देन उनके दिए गए प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू। नाउ इन दिस लेक्चर विल फोकस ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर। तो आप देख सकते हो कि वो FW टेलर जो है वो ज्वाइन हुए थे एज अ मैकेनिस्ट, और जब वो रिटायर होने की पोजीशन पे आए तो वो चीफ इंजीनियर की पोजीशन पे थे, और वो एक अमेरिकन थे जो 1856 में बॉर्न हुए थे और 1915 में उनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है ये बताते हुए कि उन्होंने अपने लाइफ में, मतलब कि वो एक जस्ट अ मैकेनिस्ट ज्वाइन हुए और इतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किया कि वो एक चीफ इंजीनियर बने। तो इतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बदौलत बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे उन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाया, जिस साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज मैनेजर्स यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसेस की एक्टिविटी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। तो उनके जो कंट्रीब्यूशन था उसके वजह से उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया। सेम है जैसे हेनरी फोयल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का खिताब दिया गया, वैसे ही FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑनर दिया गया। सो बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सो टेलर मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। दिस थ्योरी इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। मेन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हेनरी फोयल एंड जो हमको FW टेलर ने जो हमको दिया है प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो समझना, हेनरी फोयल के जो प्रिंसिपल थे अगर आप इन ऑल देखोगे तो वो बेसिकली मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्किंग की बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली रिलेशनशिप, एफिशिएंट वर्किंग, बहुत ऐसे जनरल चीजों के बारे में ज्यादा हेनरी फोयल ने फोकस किया है। बट जब आप FW टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो उधर आपको एक बहुत यूनिक चीज पता चलेगी, दैट इज जो FW टेलर का अप्रोच था वो साइंटिफिक अप्रोच था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक अप्रोच एंड नॉन साइंटिफिक अप्रोच? तो देखो, साइंटिफिक अप्रोच हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज को सोच समझ के करते हैं। मतलब कि कुछ चीज हमको, कुछ एक्टिविटी सौंपी गई तो उस चीजों को बिना सोचे करने के बजाय उस चीज को अगर हम बारीकी से समझे, बारीकी से ये समझे कि हमको कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी है, हर एक एक्टिविटी को टाइम कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये सारी चीजें अगर हम ऑन पेपर करके
देन काम को एग्जीक्यूट करे, तब हम उसको बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच। जैसे साइंस की एक्सपेरिमेंट कैसे की जाती है, साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि हमने भी एक साइंटिफिक अप्रोच, एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट लाना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हमने लास्ट ईयर किया था उसी मेथड से हम इस साल भी काम करने लग जाए, या हम देखते हैं तुक्का मार के देखते हैं, चला तो चला नहीं चला तो देखेंगे। ऐसे अप्रोच से हमको बचना है, मतलब ही हमको साइंटिफिक अप्रोच करना है। इसी ऑपोजिट फ्रेम में, फ्रेमवर्क में आओगे तो वो साइंटिफिक अप्रोच है कि ये ना करके अगर हमको क्या करना चाहिए तो हमको साइंटिफिक अप्रोच करना चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या बोला हुआ, जब भी हम कोई चीज करें तो हमको साइंटिफिक अप्रोच से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए एंड उसको सॉल्व करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व इन अ साइंटिफिक टेक्निक रादर देन रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच। मैंने अभी आपको बोला कि जो F.W. टेलर है वो बहुत बार हमें मना करते हैं क्या ट्रायल एंड एरर अप्रोच या रूल ऑफ थंब अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला ही प्रिंसिपल साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब बेसिकली मैं आऊंगी उस पॉइंट पे, बट स्टिल मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि वो बोलना चाहते हैं कि आप इधर उधर के काम करने के बजाय अगर आप चीजों को साइंटिफिकली सोचोगे, साइंटिफिकली डिसीजन बनाओगे, तो शायद वो डिसीजन ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये मेन कहना था उनका। सो देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड अ चीपेस्ट मैनर। मतलब सिंपल एंड एकदम क्लियर डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसको मैं हर वक्त बोलती हूँ, क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है ये, कि उन्होंने बोला है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या, तो आप क्या चाहते हो कि आपके जो मैन पावर है वो करे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जैक्टली, और ये देखना कि वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं इन अ चीपेस्ट मैनर या जिस मैनर में आप चाहते थे, इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। आप क्या चाह रहे हो और ऐसा हो रहा है कि नहीं, उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। नाउ प्रिंसिपल को देखते, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करना चाहते हो तो कुछ उसूल हैं जिसको फॉलो करके आप साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हो। सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या बोला हुआ है कि मतलब जब हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तौर तरीके होते हैं उस काम करने को। एक बहुत बड़ा तौर तरीका है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब कि जो जैसे कि पार्शियल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट के थ्रू, या जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड, या जैसे कि अपने इंट्यूशंस के बेस पे, जैसे कि हमने या कभी कभी अपने टीचर को बोलते हैं, टीचर बोलते हैं तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया मैथ का, तुमने ये गलत किया है, तो तुम बोलते हो मैम मुझे लगा कि ऐसे करना चाहिए। तुम्हें क्यों लगा, तो क्यों लगा क्या, अगर आंसर आप दे पा रहे हो, क्यों लगा अगर आप आंसर दे पा रहे हो, मतलब आपने साइंटिफिकली उसको सोच के सॉल्व किया है, मतलब लॉजिकली सोच के आपने सॉल्व किया है। बट अगर ये क्यों किया आपने, उसका आंसर आपने नहीं दिया, या आपने ऐसे लगा बोला सिर्फ कि मुझे लगा ये करना चाहिए था, अपना पर्सनल जजमेंट सिर्फ बताया, तो ये साइंटिफिक डिसीजन नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये रूल ऑफ थंब है। जो कि बिजनेस में मुझे लगा, मुझे लग रहा था, मैंने पिछले साल ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, या मैंने करके देखा कि होता है कि नहीं, अगर आप ऐसे आंसर दे रहे हो तो ये रूल ऑफ थंब है, जो कि हमने कभी भी बिजनेस में नहीं करना चाहिए। हमने कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए, हमने साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग अपनानी चाहिए। कोई देखो बिजनेस में बहुत छोटे से लेके बहुत सारे बड़े काम होते हैं, मतलब कि हर एक कामों में हमने कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेथड ही हमको बताता है कि विच इज द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, है ना। कि मतलब जब हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं तो बाई डूइंग दैट एनालिसिस हमको पता चल जाता है कि ये बेस्ट वे है या ये बेस्ट वे। ऑफ कोर्स बेस्ट वे कौन सा होगा, जहां पे टाइम कम लग रहा है, जहां पे वेस्टेज कम लग रहा है, जहां पे ज्यादा एफिशिएंटली काम हो रहा है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए ट्रायल एंड एरर मेथड, और हमको साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू डिसीजन लेना चाहिए। देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चाहे आप स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आउटपुट ढूंढ रहे हो, वो मैनेजर ने डिसाइड करना चाहिए, और वो मैनेजर ने कैसे डिसाइड करना चाहिए, बाय यूजिंग साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर आप ये चीज करोगे, इससे आपका टाइम
बचेगा, इससे आपका एनर्जी बचेगा और जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आउटपुट आएगा. अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट इनटू अ बॉक्स कार विल बी साइंटिफिकली प्लान. वो बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा मैं, कि बड़ी बातें करने के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच चूज करना है, बिल्कुल भी नहीं. इधर आपको छोटी चीज करने के लिए भी आपको साइंटिफिक अप्रोच से ही जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा 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 वेस्टेज बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा मिलकर ज्यादा वेस्टेज बचा सकता है. ओके, नाउ सेकेंड वन इज, अब इससे आगे वाले जो प्रिंसिपल है वो छोटे छोटे हैं और क्रिस्टल क्लियर है आपके बुक में ही जैसे दिए गए हैं. नाउ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अभी इन दोनों वर्ड का मतलब पहले तो समझो. हार्मनी मतलब शांति और डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा. तो उन्होंने बोला हमेशा हमने बिजनेस में क्या रखना चाहिए, हार्मनी, शांति रखना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. अभी देखो लड़ाई झगड़ा किसके बीच में होता है, तो कभी भी याद रखना जब हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स में लोग बटे रहते हैं, एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है और एक इंप्लॉई का ग्रुप होता है. और हमेशा जो मैनेजमेंट और इंप्लॉई है वो एक दूसरे की दुश्मन की तरह काम, मतलब दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखती है. इंप्लॉई हर वक्त सोचता है कि यार ये मैनेजर मुझे हमेशा कामों से ओवरलोड करके रखता है, और हर मैनेजमेंट ये सोचता है कि यार ये इंप्लॉई जो है वो किसी काम का ही नहीं है, कभी काम करता ही नहीं टाइम पे. तो हमेशा इन दोनों ग्रुप में भीड़ लगती रहती है, मतलब हमेशा लड़ाई होती रहती है. तो इस लड़ाई से क्या होता है कि हम अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भूल जाते हैं और हमारे जो लड़ाई झगड़ा है वही फोकस में होते रहते हैं. तो ऐसा बोला हुआ है कि आप अपने बिजनेस में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट रखो एक दूसरे से, और अगर आप परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखोगे इन दोनों ग्रुप में तो इससे हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और जो आप अचीव करना चाहते हो वो चीज को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो. सो ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंप्लॉइज ऑल्सो. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा इंप्लॉई के टूवर्ड्स अच्छा बिहेव करना चाहिए, इंप्लॉइज ने मैनेजमेंट के टूवर्ड्स अच्छा बिहेव करना चाहिए. इससे क्या आएगी, ऑर्गेनाइजेशन में खुशहाली आएगी. तो नो लड़ाई झगड़ा, ओनली शांति. नाउ थर्ड वन इज मेंटल रेवोल्यूशन. अब जैसे मैंने बोला ये दोनों ग्रुप हमेशा एक दूसरे के बारे में क्या सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं. ये मुझसे ऐसे करवाता है, ये मुझसे ऐसे करवाता है. तो इनकी जो थिंकिंग है ना ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग है एक दूसरे के टूवर्ड्स. तो ऊपर तो बोला है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बट इस वाले पॉइंट में बोला है कि आपको थिंकिंग भी चेंज करनी है एक दूसरे के टूवर्ड्स. अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहे हो तो, बट अगर आपकी थिंकिंग वही है कि ये मेरा दुश्मन है, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे एक दूसरे के प्रति. तो सबसे पहले आप अपने दिमाग का मेंटल रेवोल्यूशन करो. अभी मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे रेवोल्यूशन मतलब क्या, बहुत बड़ा चेंज. तो आप जो मेंटली सोचते हो उसको चेंज करो एक दूसरे के टूवर्ड्स. सो एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर शुड बी चेंज. बोथ शुड रियलाइज, दोनों ने ये चीज रियलाइज करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजमेंट नहीं रहा तो भी काम नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉई नहीं रहा तो भी काम नहीं हो पाएगा. इन दोनों ने फुल कॉर्पोरेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए. बिकॉज अगर मैनेजमेंट काम करना बंद कर देगा तो इंप्लॉइज के पास सैलरी नहीं आएगी, और इंप्लॉई करना काम करना बंद कर देगा तो मैनेजमेंट के पास आउटपुट नहीं आएगा बिजनेस से. तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, ये पॉइंट में ऐसा बोला हुआ है. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बोला हुआ है, जैसे नाम बोल रहा है, कि हमने हमेशा एज अ टीम काम करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को. अगर हेल्प लग रही है तो उधर पहले टीम वर्क में काम करना चाहिए और अकेलेपन में नहीं. जैसे इंप्लॉई इंप्लॉई भाई भाई और इंप्लॉई मैनेजमेंट दुश्मन दुश्मन, बिल्कुल भी नहीं. टीम वर्क होता है. जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम वर्क फोर्स की बात करते हैं, और वर्क फोर्स में इंप्लॉई एंड मैनेजमेंट आते हैं, टीम में इंप्लॉई एंड मैनेजमेंट आते हैं. तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कोऑपरेशन. सो ट्रस्ट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इंटू हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट. मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर सजेशन. नाउ अब ये कैसे हो सकता है, कॉपरेशन कैसे हो सकता है? तो इन्होंने बोला है कि जब भी मैनेजमेंट कोई काम करता है तो वो उसने किससे सजेशन लेना चाहिए, इंप्लॉई से सजेशन लेना चाहिए. देखो घर में जब कुछ होने वाला होता है तो अगर आपके मॉम डैड या आपका जो स्ट्रीम है कॉमर्स या साइंस,
है ना, वो अगर आपने अपने मम्मी पापा के डिसीजन से चूज किया हो तो क्या आपका इतना दिल लगता है, इतना मन लगता है? ऑफ कोर्स नहीं. कोई भी डिसीजन जो आप पे थोपा जाए जानबूझ के विदाउट योर विदाउट टेकिंग योर सजेशन, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है. तो वैसे ही बिजनेस में होता है कि अगर इंप्लॉई को वो काम दिया जाए जो उनसे सजेशन लिए बिना किया गया हो, तो शायद इंप्लॉई उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा. तो इंप्लॉई को हमेशा इंटीग्रल पार्ट समझना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. इंप्लॉई शुड ऑल्सो शुड रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड. और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ही हर वक्त बुरे काम करते, तो इंप्लॉई भी ने भी ये समझना चाहिए कि आपने हमेशा स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक पे आप गए तो फिर आउटपुट कम हो जाएगा, बिजनेस डूब सकता है, बिजनेस का प्रोडक्शन नहीं होगा. दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा ये दोनों जो पिलर होते हैं इंप्लॉई एंड मैनेजमेंट होते हैं, तो एक पिलर टूटा तो दोनों टूट गए, है ना. तो ऐसा वाला सिचुएशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसीलिए उन्होंने कोऑपरेशन में वर्क करना चाहिए एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म में. ओके, नाउ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या दिया हुआ है कि जब भी हम ऑर्गेनाइज, जैसे हमने डिवीजन ऑफ वर्क देखा था इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वैसे ही डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप है, मैनेजमेंट एंड इंप्लॉई. तो ये ग्रुप के पास होना चाहिए प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरे ग्रुप में होना चाहिए एग्जीक्यूशन का पावर या एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये ग्रुप कौन सी होगी? ऑफ कोर्स प्लानिंग का डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए? प्लान मैनेजमेंट. और एग्जीक्यूशन का किसके हाथ में होना चाहिए? इंप्लॉई में. तो ना एक दो जो दो ग्रुप है उन्होंने सबसे पहले अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर लेनी चाहिए, बांट लेनी चाहिए, और वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन मैनेजर एंड इंप्लॉय. सो जो टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, बेसिकली जो मैनेजमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने फोकस करना चाहिए प्लानिंग पे, और जो अपने नीचे वाले इंप्लॉई लोग हैं, है ना, इंप्लॉई भाई हैं, उन्होंने काम करना चाहिए एग्जीक्यूशन लेवल पे. प्लानिंग का काम ज्यादा टफ होता है, ज्यादा सोचने वाला होता है, ज्यादा स्किल्ड पीपल लगते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग लगते हैं, इसीलिए उनको वो वाला काम किसको होना चाहिए? मैनेजमेंट लेवल को, दैट इज टॉप एंड मिडिल लेवल को. और जो एग्जीक्यूशन का काम, जो काम का होता है, फिजिकल वर्क होता है, वो इंप्लॉई को सौंपना चाहिए. तो मैनेजर ने हमेशा हेल्प करनी चाहिए इंप्लॉई की, इनकरेज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए इंप्लॉई को. क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग की है ना, तो प्लानिंग आपने क्या सोच के की है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रॉपर डिस्पर्स करना चाहिए एट इंप्लॉई लेवल, कि ये प्लानिंग ऐसे ऐसे हमको एग्जीक्यूट करना है. विदाउट गाइडेंस ये चीज पॉसिबल नहीं होने वाला है. तो आपको एग्जीक्यूशन के लिए भी क्या लगने वाला है, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए. सो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज इंप्लॉय. नाउ नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. अभी इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि जब भी हम इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होने चाहिए हमेशा स्किलफुल एंड हमेशा उनके पास केपेबिलिटी रहनी चाहिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ये नहीं कि वो अनस्किल्ड पीपल होने चाहिए या उनके पास वो नॉलेज है ही नहीं. हमेशा हमने प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो भी इंप्लॉई को ट्रेनिंग लग रहा है वो हमने प्रॉपर देनी चाहिए. वरना क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो सब स्टैंडर्ड बनेगा. सब स्टैंडर्ड मतलब खराब बनेगा. अगर आपने देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब नए इंप्लॉइज जाते हैं ना, तो उनको सबसे पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है. मतलब जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप भी फ्यूचर में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाओगे, तो फर्स्ट स्टेप विल बी योर ट्रेनिंग. एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, दो महीना तो आपको ट्रेनिंग में रखेंगे, फिर कहीं जाके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे. तो ट्रेनिंग से हेल्प क्या होता है, आपका स्किल, आपकी कैपेबिलिटी, आपका काम करने का, आपका सोचने का तरीका अच्छा हो जाता है. अल्टीमेटली योर ऑर्गेनाइजेशन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ईच इंप्लॉय शुड गिव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. और दूसरी अगर हम आई व्यू से सोचे तो इससे क्या होता है, इंप्लॉय भी खुश होता है, क्योंकि इससे इंप्लॉय की खुद की स्किल बढ़ती है, बाहर उसका ज्यादा इज्जत होता है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है, उसको ज्यादा काम आता है. तो इससे अल्टीमेटली होल ऑर्गेनाइजेशन देखे तो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये छह पॉइंट है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन,
कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो ये छह पक्का पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। एक बार आपको समझ गया, आई डोंट थिंक सो आपको लिखने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमेशा हमने राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए एग्जाम में, तो फ्रॉम इंसेप्शन ओनली यू शुड प्रैक्टिस बाय नोट मेकिंग। जितना नोट मेकिंग, जितना राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे, जितना नोट मेकिंग आप करोगे, उतना अच्छा पढ़ाई होगा। सो ओके, सो आगे का पॉइंट कवर करते हैं, जो कि है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो पिछले पॉइंट में, पिछले टॉपिक में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि क्या उसूल है साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए, है ना, कि आपको साइंस फॉलो करना पड़ेगा एंड नॉट रूल ऑफ थर्म, आपको हार्मनी रखनी पड़ेगी, नॉट डिस्कॉर्ड एंड सो ऑन। नाउ इसमें हम देखेंगे कि आपको बार बार एफ डब्ल्यू टेलर बोल रहे हैं कि आपको साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करना है। तो क्वेश्चन आ रहा होगा बेसिकली व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच, ये है क्या, हम इस अप्रोच को, किस टेक्निक को फॉलो करते हुए इस अप्रोच को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले वर्क स्टडी बोला हुआ है कि जब भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हो तो सबसे पहला काम, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, वर्क स्टडी से होना चाहिए। मतलब कि आप जब अपने वर्कफोर्स को जॉब असाइन करोगे, जैसे बड़े से लेके छोटे जॉब होते हैं, तो उसका प्रॉपर अवेलेबल वर्कफोर्स को प्रॉपर वर्क स्टडी के साथ आपने वो असाइन करना चाहिए। वर्क स्टडी हम किस लिए करते हैं, क्योंकि जैसे साइंटिफिक मेथड क्या लाता है, एक ऑर्गेनाइज वे लाता है, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट के थ्रू हम कुछ वर्क कर पाते हैं। तो वर्क स्टडी करने से यही सारी चीजें स्टैब्लिश होती है कि हम ऑर्गेनाइज वे से, सिस्टमैटिक वे से, क्रिटिकल असेसमेंट वे के थ्रू से हम सारी एक्टिविटीज एंड फंक्शंस करते हैं। तो वर्क स्टडी जो है वो बहुत सारे टेक्निक से होता है, जैसे टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फेटिक स्टडी। तो इन सारे स्टडीज को समझेंगे। तो सबसे पहला वर्क स्टडी है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले टाइम स्टडी करना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच है ये, ऑफकोर्स, क्योंकि ये टेक्निक और साइंटिफिक मैनेजमेंट में आया है। तो टाइम स्टडी क्या बोलता है, कि आप जब भी अपने इंप्लॉयज को काम सौंपोगे, तो उस इंप्लॉयज को काम सौंपने से पहले उसने कितना टाइम लेना चाहिए उस काम को करने के लिए, उस एक्टिविटी को या उस जॉब को करने के लिए, वो टाइम आपने पहले ही फिक्स करना चाहिए। और वो टाइम कैसे फिक्स होना चाहिए, टाइम स्टडी करके। अब ये टाइम स्टडी क्या होता है, तो आपको ना वेरियस एक्टिविटी, जैसे बहुत सारे इंप्लॉई के साथ बहुत सारे इंप्लॉई को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और एक एवरेज निकालना पड़ेगा। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बट ये टाइम स्टडी में मैंने डिटेल में आपको बता रही हूं कि टाइम स्टडी में होता क्या है, आप अपने वर्कर्स, जिसको आपने सेम जॉब असाइन किया है, उन वर्कर्स को आप ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्वेशन के साथ आप ये नोट करते हो कि उनको कितना टाइम लग रहा है वो सेम जॉब करने में। अगर 10 में से 7 लोगों को सेम काम करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो उस काम के लिए जो 10 मिनट्स है वो एप्रोप्रिएट टाइम है काम करने के लिए। तो आप जब 11th वर्कर को ये काम सौंपोगे, तो बोलोगे ये काम कितने मिनट में होना चाहिए, 10 मिनट्स में होना चाहिए। अभी देखो, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, हमको एफडब्ल्यू टेलर ने बोला है कि आपने साइंटिफिक मेथड को यूज करना चाहिए, आपने रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करना चाहिए। आपने कुछ भी टाइम अलॉट करने से बेटर आप टाइम स्टडी फॉलो करो। टाइम स्टडी से जो भी स्टैंडर्ड टाइम निकलता है, दैट इज हमारे लिए इधर 10 मिनट है, वो आप अपने वर्कर को बोल सकते हो कि ये हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम है, और इस स्टैंडर्ड टाइम जो हमने फिक्स किया है, उस स्टैंडर्ड टाइम में आपका काम होना चाहिए। सो देखो क्या लिखा हुआ इसमें, सो इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। जब आप प्रॉपर टाइम स्टडी करते हो बाय ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय, तो आपको प्रॉपर टाइम का अंदाजा लगता है। फिर आप क्या पता लगा पाते हो कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है उस पर्टिकुलर टास्क का करने का, एंड देन इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। जो टाइम स्टडी है अल्टीमेटली फिर एफिशिएंसी बढ़ाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज टाइम पे काम होता है, विदाउट वेस्टेज काम होता है, एंड इसलिए भी यूज होता है ताकि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है ना, कोई ऐसा वर्कर तो नहीं है कि टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है।
अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको तुरंत टोको कि यार तुमने तो 15 मिनट्स ले लिया इधर काम करने के लिए, हमारा जो कॉस्ट ऑफ वर्क है वो बढ़ जा रहा है, इसीलिए आप प्रॉपर 10 मिनट्स में काम करो। तो स्टैंडर्ड टाइम या टाइम स्टडी इस चीज के लिए काम आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे, जैसे कि आप बहुत सारे काम करते हो, एक्टिविटी करते हो, हर एक एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग मेथड होता है और हर एक अलग अलग मेथड में एक बेस्ट मेथड निकलता है, तो मेथड स्टडी में यही बोला हुआ है कि जब आप मेथड स्टडी करोगे वेरियस एक्टिविटी का, तो हर एक एक्टिविटी का करने का क्या बेस्ट मेथड है वो पता लगाओ ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऑब्जर्वेशन से नहीं एक्सपेरिमेंट से, और वही बेस्ट मेथड को लागू करो करने को। तो उससे क्या होगा, अगेन ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ेगा। सो देर आर ऑलवेज वेरियस मेथड फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम रॉ मेटल एंड इंप्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड एंड हैंडलिंग द रॉ मेटल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्शन स्टोरेज। तो ये बोल रहा है इससे क्या होगा, आपका अल्टीमेटली जो वेस्टेज है वो कम होगा, रॉ मेटल का वेस्टेज कम होगा, आपकी यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगी, बिकॉज आपने बेस्ट मेथड यूज कर रहे हो हर एक एक्टिविटी करने के लिए। इसीलिए नाउ नेक्स्ट वन मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या बोलता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई काम देते हैं तो उस काम को करने के लिए इंप्लॉइज की बहुत सारी हलचल होती है। तो उस हलचल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंप्लॉई काम कर रहा है तो एक इंप्लॉई टूल लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से उठता है, फिर वही इंप्लॉई खाना खाने के लिए जाता है, फिर वही इंप्लॉई थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अपने कलीग के पास जाता है। तो वो बोलता है जब हमने एक पर्टिकुलर टास्क दिया तो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में जो इंप्लॉई का मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करो, ठीक है, इंप्लॉई हो या मशीन हो वो ऑब्जर्व करो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल रिसोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की जो मूवमेंट है फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क ऑब्जर्व करो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मोशन में से, उस मूवमेंट में से जो अननेसेसरी मोशंस है, मूवमेंट है, उसको एलिमिनेट करो और फाइंड करो वो बेस्ट मेथड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कहने का मतलब है जब आप अननेसेसरी मोशंस को उसमें से निकाल दोगे उस पर्टिकुलर जॉब करने को, तो एक बेस्ट पर्टिकुलर टाइम निकलेगा या मेथड निकलेगा काम करने के लिए। तो हर वक्त आपने ऐसा सोचना चाहिए। इट इंप्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ द इंप्लॉई मोशन टेक्निक। और क्या होगा, जब इंप्लॉई कम मोशन करेगा, कम मूवमेंट करेगा, तो इससे क्या होगा, इंप्लॉई कम थकेगा। जब कम थकेगा तो अपने आप उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगी। सो मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो वेदर सम एलिमेंट ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क। तो इससे ये अल्टीमेटली पता चलता है कि कौन सा फ्लो होना चाहिए, कौन सा स्मूथ फ्लो है, अननेसेसरी मूवमेंट तो नहीं है जो हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करो और फिर जॉब को फिक्स करो कि इतने मोशन करके ही हमारा काम होना चाहिए। ओके, नाउ फैटिक स्टडी। अब फैटिक स्टडी क्या बोलता है, जब इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो ह्यूमन रिसोर्स है, थक जाता है काम करते करते, 24/7 हम उसको नहीं चालू रख सकते। तो आप ह्यूमन बीइंग को या इंप्लॉई जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ ऑब्जर्व करो कि वो कब थकने लगते हैं। जब भी एक इंप्लॉई थकने लगता है तो उसको ब्रेक दो। जब आप ब्रेक देते हो तो वो रिवाइव होता है, वो रिचार्ज होता है नेक्स्ट काम करने के लिए। तो हमेशा हमने ऑर्गेनाइजेशन में फैटिक स्टडी करना चाहिए, बिकॉज फैटिक स्टडी से हमको ये समझ में आता है कि एक नॉर्मल इंसान एक टाइम के बाद कब थकता है, उसको ब्रेक दो एंड देन अगेन उसको काम करने के लिए बोलो। तो जैसे आपने देखा ना कि हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लंच ब्रेक होता है, फिर टी ब्रेक होता है, फिर बहुत सारे एमएनसीज में ऐसे गैप्स के थ्रू काम करवाए जाते हैं ताकि उनका जो माइंड रहे वो फ्रेश रहे। तो यही सारी चीजें दी गई है कि वर्किंग जनरली द लॉन्ग वर्किंग आवर विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग पूल एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर, जिससे होता क्या है, ह्यूमन बीइंग में फैटिक आती है। फैटिक मतलब थकावट आती है। इट इज एडवर्स अफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। द स्टडी ऑफ फैटिक एंड स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द
इम्प्लॉय, तो वो बोल रहे हैं कि हमेशा आपने ये फैटिक स्टडी करना चाहिए कि ताकि इम्प्लॉयज के अंदर ये जो थकावट है वो कम से कम रहे और उनका जो ऑपरेशनल काम करने का जो एफिशिएंसी लेवल है वो अप टू दी मार्क रहे, बढ़ा रहे। तो ये आपको फैटिक स्टडी प्रॉपर करके उनको टाइम टू टाइम ब्रेक देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, जो वर्क स्टडी का सारा पॉइंट हो गया, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट है। अब छोटे छोटे पार्ट आएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, सो इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करते हो तो वो जो टूल एंड इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्डाइज रहने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है एक ही तरीके से रहने चाहिए, ये नहीं आप कभी डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कभी आप डिफरेंट टाइप के, एक्टिविटी वो सेम कर रहा है बट जो टूल है वो डिफरेंट है। तो क्या होता है, जो इम्प्लॉई है उसको वो समझने में, उसको वो करने में, काम करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज वो जिस टूल से वो पहले काम कर रहा था उसी सेम टूल से वो काम नहीं कर रहा अभी। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन रखो, चाहे वो टूल हो चाहे वो इक्विपमेंट है। विद रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेट, टेलर बोलता है कि देयर शुड बी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस स्पॉइलेज, जिससे कि क्या होगा, कम से कम वेस्टेज होगा रिसोर्सेज से। ऑफ कोर्स अगर आप डिफरेंट टूल यूज कर रहे हो, है ना, पहले आप ये करते थे, दूसरा करने लग गए हो तो उससे वेस्टेज होने के चांसेस है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन टूल रखो जो आप पहले रखते थे, या प्रॉपर ट्रेनिंग दो, सो वेस्टेज कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, फेटिक अमंग दी वर्कर्स वो भी इंप्रूव हो जाएगा ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि उनको पता है ये वाला टूल कैसे चलाना है। अगर आप दूसरा टूल एंड इक्विपमेंट देते रहोगे तो हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फेटिक, ये सारी चीजें बढ़ जाए। नाउ थर्ड वन इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब साइंटिफिक टास्क सेटिंग में ये है कि जब भी आप एक इंप्लॉई का डे टारगेट सेट कर रहे हो, दिन का टारगेट सेट कर रहे हो, तो हर वक्त फेयर डे वर्क होना चाहिए, है ना। फेयर डे वर्क मतलब आप उसे कितना भी टारगेट देख के उससे कितना भी काम नहीं करवा सकते, करवा भी लो लेकिन जो आपका आउटपुट है वो शायद क्वालिटी आउटपुट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स इंप्लॉय थक जाएगा, वो एक टाइम के बाद इतना थक जाएगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपने हमेशा एक साइंटिफिक टास्क सेटिंग करना चाहिए, उसके एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके कैपेसिटी के हिसाब से आपने इंप्लॉय को काम देना चाहिए। By using this technique, employee will complete the task according to the standard. अगर आप उसे fair day work दोगे तो उसको पता है दिन के starting में कि मुझे कितना target complete करना है, according to that वो काम complete करेगा, जिससे कि वो proper control रखेगा और proper utilization of workforce भी होगा। मतलब कि सारे individual उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से दूसरा इंडिविजुअल काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल पे ज्यादा प्रेशर आएगा, किसी इंडिविजुअल पे कम प्रेशर आएगा। एवरीवन विल हैव अ इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क एंड वो अपना जब टारगेट सेट कर लेगा तो शायद एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और ये इससे एक और चीज हेल्प होगा कि अगर इंप्लॉय की कैपेसिटी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है तो फेयर डे अगर आपने 8 यूनिट रखा तो 2 यूनिट आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जब आप टास्क सेट कर दोगे तो शायद ये डेफिशिएंसी होने से बच सकते हो, क्योंकि यू नो इन स्टार्टिंग डे में, स्टार्टिंग में आपको पता है कि फेयर डे वर्क कितना होना चाहिए, इससे कम हुआ तो चलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप ऐसे काम देने से बच जाओगे जो सामने वाले इंप्लॉय की कैपेसिटी से कम है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब भी आप किसी जॉब के लिए इंप्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हो तो उस इंप्लॉय को सेलेक्ट करो जो राइट पर्सन है उस राइट जॉब पे। और ये कैसे सेलेक्ट कर पाओगे, बाय यूजिंग साइंटिफिक सेलेक्शन प्रोसीजर। इट नीड टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर दी रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप इंप्लॉई को सेलेक्ट करो। उस इंप्लॉई के पास देखो कि क्या उस जॉब को करने के लिए प्रॉपर स्किल है कि नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं है,
क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं देखा तो शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं होगी. इंप्लॉइज आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू दी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन अ इम्पार्शियल वे विदाउट पार्शियलिटी. वो इंप्लॉई काम कर सकता है कि नहीं काम कर सकता है इस पर्टिकुलर जॉब को, ये देख के ही इंप्लॉई का सिलेक्शन होना चाहिए. आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड दी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. ठीक है, तो आफ्टर सिलेक्शन क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना दो मेन तरीके के काम होते हैं, एक प्लानिंग लेवल पे मेन काम होता है और दूसरा इंप्लीमेंटेशन पे काम होता है. तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आप इंप्लॉइज को काम देते हो तो दो कैटेगरी में इंप्लॉइज को डिवाइड करो, दो फंक्शंस में डिवाइड करो. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करो. कुछ इंप्लॉइज ऐसे होते हैं जो प्लानिंग लेवल पे रहने चाहिए और कुछ इंप्लॉइज ऐसे हैं जो इंप्लीमेंटेशन लेवल पे होने चाहिए. मेन आपको आठ तरीके, कितने आठ तरीके के टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय दिए हैं, चार, फोर इन प्लानिंग लेवल एंड फोर इन इंप्लीमेंटेशन लेवल. हर एक का काम अलग अलग रहेगा. देखो जैसे कि इधर बोला हुआ है तो पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं. इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब कि प्लानिंग को सेपरेट किया है इंप्लीमेंटेशन को. जैसे आप देख रहे हो दैट मींस प्लानिंग डन बाय डिफरेंट पीपल, एक्चुअल वर्क डन इज सुपरवाइज डिफरेंट पीपल. मतलब प्लानिंग जो है वो दूसरों लोगों से किया जाएगा और जो एक्चुअल वर्क है वो दूसरे कैटेगरी वाले लोगों से किया जाएगा. दस एवरी वर्कर विल सुपरवाइज बाय टू डिफरेंट सेट ऑफ सुपरवाइजर. ही रिकमेंड टोटल 8 फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन. फोरमैन मतलब सुपरवाइजर. वो बोलते हैं कि प्लानिंग वाले जो वर्कर्स रहेंगे वो प्लानिंग लेवल वाले सुपरवाइज से कंट्रोल होंगे और जो इंप्लीमेंटेशन के उसमें वर्कर्स रहेंगे वो इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जो सुपरवाइजर रहेंगे वो उनसे सुपरवाइज होंगे. सो दे आर कैटेगराइज एज फॉलोज. टोटल आठ तरीके के वर्कमैन होंगे, फोरमैन होंगे, चार प्लानिंग लेवल पे और चार इंप्लीमेंटेशन लेवल पे. तो देखो उन चार चार का काम क्या है. प्लानिंग लेवल पे पहले देख लेते हैं. रूट क्लर्क क्या काम करेगा कि कैसे वर्क एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाना चाहिए, रूट क्लर्क का वो काम रहेगा. इंस्ट्रक्शन क्लर्क का क्या काम रहेगा कि इंस्ट्रक्शंस देना कि काम को कैसे कंप्लीट करना है. फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या रहेगा कि हर एक काम को करने के लिए कितना काम, कितना टाइम और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम प्लानिंग लेवल के थर्ड कैटेगरी के सुपरवाइजर के पास रहना चाहिए. डिसिप्लिन में ये है कि ये फोर्थ टाइप का प्लानिंग लेवल सुपरवाइजर है जो डिसाइड करेगा कि फैक्ट्री के रूल्स क्या होने चाहिए. ओके, ये समझ में आ गया. नाउ इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जो गैंग बॉस रहेगा वो देखेगा कि क्या एक्चुअली काम हो रहा है कि नहीं. अब ये इंप्लीमेंटेशन लेवल पे है. इंप्लीमेंटेशन लेवल पे मतलब जहां पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, जहां पे एक्चुअली वर्क डन हो रहा है. तो सबसे पहले गैंग बॉस ये देखेगा कि क्या काम हो रहा है कि नहीं. फिर स्पीड बॉस देखेगा कि क्या उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं जो हमने स्पेसिफाइड किया था ऊपर, जो टाइम में हमने स्पेसिफाइड. रिपेयर बॉस ये देखेगा कि क्या सारे मशीन्स प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं या प्रॉपर उनका रिपेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि मेंटेनेंस की तो नहीं जरूरत है, सर्विस की तो नहीं जरूरत है. इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर वर्क डन एज पर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं. जो हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, अपने कुछ क्वालिटी चेक बनाए हैं कि क्या इतने केजी का है, इतने वेट का है, इतने मेजर का है, इतना साइज है कि नहीं, इतना डायमेंशंस है कि नहीं, तो ये सारे एंगल से जो आउटपुट इन सारे फोरमैन के थ्रू निकला है तो फाइनल चेक इंस्पेक्टर के पास रहेगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है आउटपुट का वो फुलफिल किया कि नहीं. वो इंस्पेक्ट करने का काम इंस्पेक्टर का रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू द टेलर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल एक्टिविटी इनटू प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय. तो बोल रहे हैं टेलर कि अगर आप इस तरह से फोरमैन को डिवाइड करते हो तो शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होने के चांसेस है डेफिनेटली. नाउ सिक्स वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान. अब ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टेलर का टेक्निक है जहां पे वो बोलते हैं कि आपको अब पता चल चुका है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, जो कि हमने डिसाइड किया था 10 मिनट
वन यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए काफी है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अब अगर इंप्लॉई 10 मिनट से ज्यादा टाइम लेता है तो उसको डालो इन एफिशियंट कैटेगरी में, उसको डालो इन एफिशियंट कैटेगरी में। अगर आपका इंप्लॉय 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लेता है तो उसको बोलो एफिशियंट की कैटेगरी में। तो अगर आप इस तरह से डिवाइड करके इंप्लॉइज को वेज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शायद आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ने के चांसेस है। अब शायद को पक्का में मैं कैसे आपको लाती हूं, देखो जो इंप्लॉई इनएफिशिएंट रहेंगे, मतलब 10 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं, अब वो बोलेंगे यार मुझे जितना मिल रहा है उससे कई ज्यादा एफिशिएंट को मिल रहा है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था और स्टैंडर्ड रेट हमको बोला गया कि आपको हर यूनिट पे आपको ₹10 मिलेगा। अगर आप 10 मिनट पर यूनिट बनाते हो तो कितना मिलेगा ₹100, लेकिन अगर आपने 10 मिनट से ज्यादा टाइम लिया तो ईच यूनिट आपको मिलेगा ₹80। और एफिशिएंट को बोला कि अगर आप 10 मिनट से कम टाइम लोगे तो आपको ईच यूनिट ₹120 मिलेगा। मतलब ये क्या किया गया, डिफरेंशियल रेट दिया गया जो डिफरेंट टाइम में काम खत्म कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड टाइम में तो आपको स्टैंडर्ड रेट दिया जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से कम का टाइम लेते हो तो आपको हायर रेट दिया जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लेते हो तो आपको लोअर रेट दिया जाएगा। तो इसके लिए किस चीज के लिए होता है, टू मोटिवेट इंप्लॉइज, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको और मोटिवेशन मिले और जो बुरा काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले कि वो अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छे वेजेस अर्न कर सकते हैं। सो रेमुनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अर्न स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या था कि 10 मिनट्स में मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है। टेलर सजेस्ट डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, हायर रेट आर ऑफर टू इंप्लॉय हु कंप्लीट द वर्क मोर देन स्टैंडर्ड क्वालिटी अंडर दिस सिस्टम। ऑन अदर हैंड इफ द इंप्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो स्टैंडर्ड ही शुड बी गिवन लोअर रेट ऑफ वेज। दिस टेक्निक मोटिवेट द इंप्लॉय टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेज दैट इज रेमुनरेशन एट अ हायर रेट। अगर कम टाइम पे आपने स्टैंडर्ड वे में काम किया, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया कम टाइम में, तो आपको हायर रेट से अवॉर्ड किया जाएगा, वर्षा अगर कम तो कम से। ओके, तो ये सारे टेक्निक थे जिससे कि आप साइंटिफिकली कामों को करवा सकते हो। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो आप ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश करके कामों को अच्छी तरह से विदाउट वेस्टेज कर सकते हो, गिवन बाय FW Taylor। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना, और अगर हो सकता है तो ये जो MCQs है वो सॉल्व कर लेना, उसमें कुछ डाउट आई डोंट थिंक सो, हमने चैप्टर इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है कि डाउट आने के चांसेस है, स्टिल अगर डाउट आया तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।